एडिशनल डॉक्टर डॉक्टर शुक्ला साहब को कि वो मार्गदर्शन दे। सर राज्य टीकाकरण सेल की ओर से आप सबको नववर्ष मंगलमय हो, और मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे नेशनल टीम भावरे साहब और उनके सहयोगियों का कि जब जब हमने याद किया हैगा डॉक्टर रविंद्र के थ्रू आपने एकदम से रिस्पॉन्ड किया और समय सीमा में। अभी हम मंत्री की बैठक छोड़ के इसलिए आ रहे हैं कि हम लोग को जो टारगेट दिए जा रहे हैं इतनी फास्ट डेवलप हो रही है साइकिल कि हम लोग सोच रहे हैं कि 15 दिन के बाद हमें काम करना, पता चला एक हफ्ते में हम लोग कोविड 19 में प्रवेश करने जा रहे हैं पूरे देश में, और इतनी बहुत लंबी मैराथन दौड़ है इस पूरे कोविड अभियान में, मैराथन दौड़, और उसमें इक्विपमेंट की सतत सतत निगरानी, और सतत निगरानी के बाद आपका कॉल सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि 24 घंटे में हमारी रिस्पांस टाइम आ जाए। सिकनेस रेट जैसा भी सीसीओ साहब बोल रहे थे कि मेरा सिकनेस रेट अगर 2 से कम का लिखा हुआ है तो डूरिंग अभियान 0 चाहिए। अभी एसीएस साहब ने भी बिल्कुल इस चीज पे हिदायत दी है कि हमारा 0 सिकनेस रेट पे आप काम कराएंगे, और उसके लिए हमारे जो टेक्नीशियंस बंधु हैं उनका बहुत बड़ा अहम रोल होने जा रहा है। मैं ज्यादा वक्त ना लेके आप हमारी नेशनल टीम से आग्रह करूंगा, और उसके पहले मैं चाहूंगा कि डॉक्टर वंदना भी हम लोग के साथ जुड़ी हुई है, मैं चाहूंगा डॉक्टर वंदना 2 शब्द जरूर बोले। नमस्कार सर, डॉक्टर शुक्ला सर, डॉक्टर विपिन जी, डॉक्टर त्रिपाठी सर, डॉक्टर पुरोहित जी, हमारे सारे स्टेट के जो हमारी आरआई टीम है, आप सबको पहले तो मेरा बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना है नववर्ष की, और आप लोगों को बधाई कि आपने इतने फास्ट मोड में इतने चैलेंजिंग समय को एक्सेप्ट किया है, और आपके नेतृत्व में ये इतना जल्दी रोल आउट हो रहा है हमारे टीम्स के साथ। सर सबसे पहले मैं हमारे कोल्ड चेन टीम को, जो टेक्नीशियंस हैं, जो रीजनल लेवल पे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट पे हैं, जो कोल्ड चेन पॉइंट्स पे हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की देना चाहूंगी, और ये याद दिलाना चाहूंगी कि हमारे साथ जो आगे इस हफ्ते में नया टास्क जुड़ रहा है वो हर तरफ से मल्टीपल चैलेंजेस आने वाले हैं। तो आज की जो हमारी ट्रेनिंग है, थैंक्स टू हमारे एनसीसी बीएमआरसी कलीग्स डॉक्टर योगेश भामरे और हमारे सारे एनसीसी बीएमआरसी टीम और डॉक्टर रविंद्र बागल जिनके जो नेतृत्व में ये ट्रेनिंग एजेंडा रोल आउट हो रहा है, मैं उनको थैंक्स करना चाहूंगी। आज की ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी इसीलिए है क्योंकि हम 3 चैलेंजेस में 2021 में आ रहे हैं जनवरी में। एक है हमारा कोविन का इंट्रोडक्शन जो होने वाला है अगले हफ्ते से, दूसरा होने वाला है हमारा जो है आगे आने वाला है मिशन इंद्रधनुष, और एक फेज आने वाला है कुछ जिलों में आएगा, 7 जिलों में आएगा, और उसके बावजूद हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन जो है हमें जारी रखना है। और हम सब जानते हैं कि इस बार कोविन में सिर्फ बच्चे और माता तो बिल्कुल है ही नहीं, इस बार जो कोविन में हम एडल्ट्स को करने वाले हैं, और रूटीन इम्यूनाइजेशन और मिशन इंद्रधनुष जब होगा उसमें बच्चे और माता होंगे, तो हमारे पास उतने डोजेस पर्याप्त होना है, और उन डोजेस के रखरखाव के लिए हमारा कोल्ड चेन इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक्स, और साथ साथ कोल्ड चेन और ड्राई चेन स्पेस जो है ये दोनों पर्याप्त हमारी होनी चाहिए और जल्द और साथ साथ चलनी चाहिए। तो आज की इस ट्रेनिंग में हमें ये बताया जाएगा कि हम अपना ये रख रखाव, खास करके नए इक्विपमेंट जो आए हैं, गोदरेज के नए इक्विपमेंट्स कुछ आए हैं, कुछ और इक्विपमेंट्स आए हैं, उनको हम कैसे मेंटेन करें। और मैंने कुछ आज वीडियोस सुबह से देखे हैं जो डेवलप हुए हैं आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ना ही सिर्फ हम ये वीडियोस देखें पर अपनी साइट पे ये वीडियोस को बार बार रिप्ले करके हम अपनी टेक्निकल सेशंस को ऑन साइट लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आगे कंडक्ट करें, क्योंकि उसके बिना हम सब टेक्नीशियंस इससे यूज्ड टू नहीं होंगे कि हम किस तरह से इस जो है इक्विपमेंट को मैनेज करें, मेंटेन करें और इवन इंस्टॉल करें। तो इंस्टॉलेशन वीडियोस भी आपके लिए आए हैं। तो आज की ये जो हमारी ट्रेनिंग है, कोशिश ये रहेगी कि हम सब इस पे बिल्कुल ध्यानबद्ध रहें, और आपके जितने डाउट्स हैं हम सब यहाँ पे मौजूद हैं अभी, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। एनसीसी बीएमआरसी टीम है आपके साथ जो ये डाउट्स क्लियर करेगी। तो हम चाहते हैं कि आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, और मैं अपनी सारी टीम को
इसमें इंक्लूड करना चाहूंगी डॉक्टर रविंद्र से लेके डॉक्टर अश्विन भागवत, डॉक्टर राम कुमार राय, डॉक्टर विकास द्विवेदी, आकाश जैन जी और सत्य प्रकाश जी, जो अपने अपने जिलों में और अपने रीजनल एरियाज में अपने सारे टेक्नीशियंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगी कि वो सब अपने अपने जिलों में और रीजनल एरियाज में ये ट्रेनिंग को रेप्लीकेट करें बहुत से जल्द, खास करके लाइव सेशंस में। तो आप सबको शुभकामनाएं सर, समय ज्यादा नहीं लूंगी, ऑल द बेस्ट। वंदना, मैं एक मिनट वापस आपसे मुखातिब होना चाह रहा हूँ सभी से। अभी जब मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर के साथ समीक्षा हमारे एसीएससी बैठे हुए थे, कमिश्नर, एमडी और हम सब, उसमें एक बात ये निकल के आई कि हमारा जो शीर्षस्थ अधिकारी है इस प्रदेश के, उनको इस पूरे टीकाकरण कार्यक्रम में और कोविड अभियान में फुल कॉन्फिडेंस अगर किसी चीज पे है तो वो हैगा हमारी कोल्ड चेन, क्योंकि उन्होंने तुरंत मंत्री जी से बोला कि डॉक्टर शुक्ला और विपिन श्रीवास्तव जी के साथ आप किलोल पार्क में स्थापित WIC और WIF देख के आइए। और वो जिला स्टोर अभी कुछ ही दिन पहले, आप 15 दिन पहले आपने देखा होगा नेशनल चैनल्स पे सीएम के, सीएम सेक्रेटरी और डायरेक्टर पब्लिसिटी के माध्यम से हम लोगों ने अपना कोल्ड चेन का एक्सपोजर किया था। और वो जो मीडिया पर्सन आए थे नेशनल लेवल और न्यूज मीडिया, वो बार बार ये कह रहे हैं कि सर शाबाश, आप लोगों ने तो गजब का काम किया है। देखिए, विश्वास अर्जित करने में सालों लग जाती है, बहुत कड़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने कोल्ड चेन की वो मुकाम हासिल की है जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। मगर अब हमारी परीक्षा की घड़ी है, ये कोविड अभियान परीक्षा की घड़ी है और हमें मालूम है कि आप इसमें खड़े उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक चीज भूल गई मैं, हमारे पार्टनर्स जो हैं UNDP, WHO, चाई के जो हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोल्ड चेन के काम में, उन सबको भी वो सब, और हमारे मेडिकल कॉलेज पार्टनर्स जो सपोर्टिव सुपरविजन का सपोर्ट देने वाले हैं, तो वो सब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप लोग भी रखने वाले हैं सर, हमें ये लग रहा था कि मैं सिर्फ CCT से मुखातिब हूँ। सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं, बधाई, और सभी का जैसे पूर्व वर्षों में सहयोग रहा है आपका, दूना उत्साह, उमंग और ऊर्जा के साथ इस कोविड अभियान को हम टीम वर्क के रूप में MR से बेटर करके दिखाएंगे, इस संकल्प के साथ हम आगे चले। ओके, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर शुक्ला साहब और मैडम बन्ना। कि मैं NCC राज के जो टीम लीडर हैं मिस्टर भामरे, मैं आपको बता दूं कि हमने सितंबर, अभी इस समय हमारे पास 43 टेक्नीशियन है, 41 टेक्नीशियन जुड़ गए हैं। और हमने सितंबर से, जब कोविड का भारत सरकार से आया, तो सितंबर से हमने रिपेयर ड्राइव चलवाया, तो उसमें हमारे टेक्नीशियन ने 90 इक्विपमेंट अभी तक रिपेयर किए हैं। जब हमारे HBS ने रिव्यू किया था उस समय 1.9% ब्रेक डाउन था, आज हमारा 0.6% ब्रेक डाउन रेट है। ये जो टेक्नीशियन है, मध्य प्रदेश में 60 डिवीजन है अप्रॉक्सीमेट, हमारे पास टोटल 6000 इक्विपमेंट है, जिसमें WIC है, ILR है, DPR है, स्मॉल लार्ज है और नए इक्विपमेंट है, अप्रॉक्सीमेट 6000 इक्विपमेंट है, जो एक एक टेक्नीशियन के पास एवरेज अगर देखें तो 120 इक्विपमेंट वो अपना इक्विपमेंट, बल्कि 150 इक्विपमेंट वो देख रहा है। और ये समय समय पर NCC VRC पूना और दिल्ली द्वारा ऑलरेडी ये ट्रेंड किए गए हैं। तो नेचुरली इस जो अब ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है, मुझे उम्मीद है कि ये हमारे जो कोल्ड चेन टेक्नीशियन है और स्किलनेस इनकी बढ़ेगी। और जैसे शुक्ला साहब ने बोला कि अब हम लोग सिकनेस रेट है, रिस्पांस टाइम है, डाउन टाइम है, अब क्योंकि ये कोविड आ गया है तो हायर लेवल से ये मॉनिटरिंग हो रहा है, तो ये हर इंडिकेटर मिनिमाइज हो जाएंगे। तो मैं पहले से बोलूंगा कि वो ओपनिंग सेरेमनी शुरू करवाएं। थैंक यू विपिन जी। तो हमारे साथ अभी NCCRC पुणे की टीम जुड़ी हुई है। मैं योगेश जी को निमंत्रण करता हूँ कि अपने टीम को एक बार इंट्रोड्यूस करें ताकि हम अब फिर सेशन को स्टार्ट कर सकें। योगेश जी, ओवर टू यू। या थैंक यू बागा जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा RISL MP स्टेट का, डॉक्टर शुक्ला सर, विपिन श्रीवास्तव जी और उनके साथ जुड़े जो है हमारी यूनिसेफ की टीम, डॉक्टर वंदना भाटिया मैम, आप डॉक्टर रवि बागल, इवन UNDP की जो टीम है हमारी, डॉक्टर कपिल, और जैसे वंदना मैम ने कहा कि बाकी जो सारे पार्टनर इसके इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, चाय है, बाकी और पार्टनर्स है, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। सभी को NCCRC की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ NCCRC, पहले सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
और जैसे ही जैसे डॉक्टर वंदना मैम ने कहा है कि ये काफी चैलेंजिंग टाइम है सबके लिए, तो मैं भी ये समझता हूँ कि चाहे वैक्सीन आपकी इम्यूनाइजेशन की हो, चाहे वैक्सीन आपकी कोविड की हो, कोल्ड चेन इज द बैकबोन। तो कोल्ड चेन को बनाए रखना, कोल्ड चेन को मेंटेन रखना, ये हम हमारे एक्चुअली जो हमारे ये आज की जो ऑडियंस है कोल्ड चेन टेक्नीशियन का बहुत बड़ा अहम रोल होता है उनमें। और ये जैसे अभी आंकड़े बताए है हमारे विपिन श्रीवास्तव जी ने कि टोटल 6000 इक्विपमेंट है, हर टेक्नीशियन के अलोकेशन अगर हम देखते हैं तो 120 एवरेज इक्विपमेंट आते हैं, फिर भी उन्होंने अपना जो सिकनेस रेट है वो बिलो एक्सेप्टेबल लिमिट रखा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो उनका जो प्रोग्रेस है, जो एक्सपेडाइट किया है उन्होंने रिपेयरिंग वाला सारा जो सेक्टर उनका है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो काफी सराहनीय है। तो मैं चाहूंगा कि इसी टेम्पो को वो मेंटेन रखेंगे, और जो अभी इनका जो मिशन है डॉक्टर जो हमारे शुक्ला सर है, जिस ऑब्जेक्टिव से वो ये काम कर रहे हैं, जिस एक्चुअली स्पीड से वो काम कर रहे हैं, जो उनका जो लाइजनिंग है पूरा आपके मिनिस्ट्री के साथ में भी, वो काफी मतलब देखने लायक बनता है। और वो मेंटर रहे अभी सारे हमारे इस इवन कंट्रीज के हमारे बाकी स्टेट के लोगों के लिए भी, तो हम अपना ये इट्स प्लेजर फॉर एनसीसीआरसी टू बी पार्ट ऑफ दिस मिशन, टू सपोर्ट दिस मिशन, और अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश ये रखेंगे कि कोल्ड चेन टेक्नीशियन को जितना भी नॉलेज हम यहाँ पे दे सकते हैं और जितना भी मतलब हमारी तरफ से हम दे सकते हैं हम अपनी कोशिश करेंगे। और मैं अपनी टीम को मतलब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस्ड, तो हमारे मेरे साथ बने हैं हमारे विकास पाटिल जो यहाँ कंसल्टेंट ट्रेनिंग है एनसीसीआरसी के लिए, और मिस्टर दुर्गेश देशमुख जो हमारे कंसल्टेंट टेक्निकल टेस्टिंग एंड रिसर्च है, हमारे जो हम ट्रेनिंग करने के लिए जिनको इनवाइट करते हैं वो मिस्टर मखदूम है, वो इज एक्चुअली द मास्टर ट्रेनर इन द नेशनल रिसोर्स पूल, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कॉन्स्टिट्यूट किया है एक रिसोर्स पूल है जिसमें वो मास्टर ट्रेनर भी है, मास्टर टेक्नीशियन भी है, और हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट को इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन मिस्टर मोरे करके है। तो ये सब लोग जो है वो हमारे साथ आज जुड़े हैं, तो हमारा जो ये मिक्स ऑफ मोड ऑफ प्रेजेंटेशन रहेगा थ्रू वीडियोज, क्योंकि देखो चैलेंजिंग टाइम नॉट ओनली फॉर दिस COVID-19 बट चैलेंजिंग टाइम ऑल्सो टू इम्पार्ट द ट्रेनिंग्स, ट्रेनिंग कराना भी बहुत चैलेंज हो गया है बिकॉज वी आर एक्चुअली नाउ अडॉप्टिंग द वर्चुअल मैकेनिज्म, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब आपको देना होता है तो दैट इज अ बिट इजियर, बट यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल का डेमो दिखाना है, प्रैक्टिकल का डेमो आपको इफिशियंटली प्रेजेंट करना है, तो दैट इज ऑल्सो बिट चैलेंज। तो टीम तो पूरी तैयार बैठी है उस तरह से, तो होप सो दैट दिस विल बी द इफिशियंट प्लेटफॉर्म, ये ट्रेनिंग अच्छी होगी। और मैं हमारे कोल्ड चेन टेक्नीशियन को बिल्कुल मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जहां जहां पर भी आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको इसमें कुछ ज्यादा समझना है या यहाँ पर दिक्कतें हैं, इसका थोड़ा ज्यादा नॉलेज चाहिए, डेफिनेटली यू टाइप योर मैसेज इन चैट बॉक्स एंड वी विल ट्राई टू रिप्लाई। ओके, सो विद दिस विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं बागल जी को ये कहना चाहूंगा कि यू स्टार्ट दिस सेशन, वी आर रेडी टू टेक ओवर। ओके, थैंक यू बागल जी, थैंक यू। हेलो हेलो बागल जी, हेलो, हाँ, थैंक यू, थैंक यू योगेश जी, फ्रॉम आवर साइड यू कैन सी, यू कैन, या या, डॉक्टर कपिल हैज आल्सो जॉइन फ्रॉम यूएनडीपी। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारा सौभाग्य है कि अगेन हम लोगों को एक दूसरे के साथ कुछ सीखने का मौका मिल रहा है योगेश जी के साथ। योगेश जी आपका स्वागत है, और पिछली मीटिंग के बाद में तो वाकई आपका कायल हो गया जिन आसान शब्दों में आपने कोल्ड चेन के बारे में आपने ट्रेनिंग दी थी, तो हैट्स ऑफ यू सर, और आपकी टीम जो बहुत ही डायनेमिक है। थैंक यू, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो साथी यहाँ जुड़े हुए हैं वो आपकी सरल शब्दों के द्वारा जो आप समझाएंगे उसका पूरा फायदा उठाएंगे। एक बार पुनः एमपी में संतोष शुक्ला सर, विपिन श्रीवास्तव सर, जो कि कोल्ड चेन के मामले में जिन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जैसा कि अभी योगेश सर भी बता रहे थे कि हमारा सिकनेस रेट जो एक्सेप्टेंस है उससे भी काफी नीचे रहता है, तो उसके मद्देनजर हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये जो गोल्डन टच है जो आज हम सीखने वाले हैं गोल्डन टच, वो योगेश जी और उनकी टीम हमको आज देंगे, तो प्लीज मेरे साथियों सभी लोग इसका पूरा फायदा उठाइएगा। वंदना मैम, थैंक्स टू यू, आपने अगेन एक बार लीड करते हुए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है सभी के लिए, तो यूनिसेफ की टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, ओवर टू यू डॉक्टर रविंद्र। थैंक यू, थैंक यू कपिल जी।
तो फर्स्ट सेशन जो है एजेंडा के हिसाब से विकास जी का टॉपिक है, मैं वीडियो यहां से प्ले कर रहा हूं। आई इनवाइट विकास पटेल जी टू प्लीज स्टार्ट फ्रॉम हिज एंड। स्क्रीन ऑन करना एक बार, बाद में क्या स्क्रीन शेयर करना, स्क्रीन स्टॉप करना तुम्हारा, इसमें मेरा स्क्रीन जल रहा है। आर और डीएफ के इंस्टॉलेशन में चेकलिस्ट का प्रयोग। आईएलआर और डीएफ इंस्टॉल करते समय चेकलिस्ट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इससे कोल्ड चेन इक्विपमेंट के इंस्टॉलेशन में कोई भी स्टेप टूटने की संभावना नहीं रहती। इस वीडियो में इनपुट भी मतलब ILR और DF के इंस्टॉलेशन में चेकलिस्ट का प्रयोग। ILR और DF इंस्टॉल करते समय चेकलिस्ट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इससे कोल्ड चेन इक्विपमेंट के इंस्टॉलेशन में कोई भी स्टेप छूटने की संभावना नहीं रहती। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार चेकलिस्ट का इस्तेमाल करके ILR और DF को इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले पावर सॉकेट चेक करें। वोल्टेज स्टेबलाइजर के केबल और सॉकेट की अच्छी तरह से देखकर जांच करें। सुनिश्चित कर लें कि 3-पिन टॉप प्लग ISI मार्क्ड है। वोल्टेज स्टेबलाइजर सॉकेट का इनपुट आउटपुट वोल्टेज चेक करें। हाँ, तो यहां पर एक्चुअली जो बताया जा रहा है, दिस इज रिगार्डिंग द चेकलिस्ट फॉर ILR इंस्टॉलेशन और DF इंस्टॉलेशन। मतलब यहाँ पर इस वीडियो का ये एक एक्चुअली ये मैसेज है कि अगर आपको आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर या डिफ्रीजर आपकी यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना है तो आपको किस किस पैरामीटर्स को आपको चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई, तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई में जहाँ पर आपको लगाना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ये इक्विपमेंट है इसे कितनी करंट की या कितनी पावर की जरूरत है। तो जहां तक मतलब हमारे जितने भी इक्विपमेंट आए हैं इम्यूनाइजेशन सप्लाई में, तो सभी इक्विपमेंट को रिकमेंड किया गया है कि 16 एम्पियर का प्लग पॉइंट होना चाहिए, जो कि हमारे मतलब जिसको हम हमारे इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में पावर सॉकेट कहते हैं, तो पावर सॉकेट 15 एम्पियर वाला वो वहां पे वो होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम वो पावर सॉकेट है तो उसमें भी हमें कुछ चेक्स करने होते हैं कि उसमें फेज न्यूट्रल सप्लाई वो सही तरीके से आ रहा है कि नहीं, वहां पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन है क्या, वहां पर सॉकेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अर्थिंग लगी है क्या। क्योंकि देखो अर्थिंग इसलिए हमें देखनी है कि एक तो आपका इक्विपमेंट है कोल्ड चेन को बनाए रखने वाला, तो कोल्ड चेन है मतलब वहां पे मॉइस्चर होगा, वहां पे कहीं पर गिलावा हो सकता है, आपके जो हैंडलर भाई है जो यूजर है वो उसको हाथ लगाएंगे। तो अगर आपका इक्विपमेंट अर्थिंग से प्रोटेक्टेड नहीं है तो हो सकता है कि देर में भी एक्सीडेंट, कहीं पर किसी को शॉक बैठ सकता है,
तो हमें सबसे पहले प्रिकॉशन ये लेनी है कि हमारे सॉकेट में अर्थिंग ठीक तरह से लगी है, और जब हम सॉकेट से अर्थिंग बाद में हम इक्विपमेंट को जब दे रहे हैं थ्रू वोल्टेज स्टेबिलाईजर, तो वहां पर भी हमारा अर्थिंग बिल्कुल मेंटेन्ड है। तो ये चीजें हमें प्राइमरी देखना है, मतलब इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन विद द सेफ्टी चेक्स, तो दिस कम्स अंडर द सेफ्टी चेक। तो हमें सेफ्टी चेक में ये बिल्कुल देखना है कि हमारे अर्थिंग सही है नहीं है। ओके बागल जी, यू कैन कंटिन्यू। सुनिश्चित कर लें कि स्टेबिलाईजर के आउटपुट सॉकेट में वोल्टेज और अर्थिंग है। ILR या DF को लकड़ी के बने स्टैंड पर ही रखा जाना चाहिए। इक्विपमेंट के साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल उपलब्ध होना चाहिए। ILR में बास्केट और फोम चेक करें। बाबा जी यहां पे रोक सकते हो, यू कैन स्टॉप। अभी यहां पर आपने वीडियो का एक फ्रेम देखा होगा जिसमें बताया गया है कि आपका जो ये इक्विपमेंट है वो आपके एक वुडन स्टैंड पे होना चाहिए। तो ये सिंपल जाहिर सी बात है कि अगर हम समझो इक्विपमेंट डायरेक्टली भी अगर नीचे रखते हैं तो बहुत बार क्या होता है, मतलब नॉट एट एवरीवेयर, बट अगर आपका फ्लोर में इवननेस नहीं है, आपके फ्लोर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो एक तो आपका इक्विपमेंट नीचे बैठ जाएगा, तो वो किसी एक एंगल में बैठेगा, इंक्लाइंड एंगल में होगा। तो अंदर जो पानी जमता है वो पानी अगर बाहर जाने के लिए जगह नहीं है, पानी सही तरीके से बाहर नहीं जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस अनडेवलप्ड पोजीशन, अगर ऐसा है तो क्या होता है, ये अंदर की तरफ पानी जमने के बाद इक्विपमेंट कुछ समय के बाद अंदर से रस्टी होना शुरू हो जाता है। सेकंड रीजन ये है कि अगर आपका आप इक्विपमेंट के साइड से कुछ वॉशिंग करते हो, कुछ क्लीनिंग करते हो, तो भी पानी नीचे बॉडी में जाके वो पानी की वजह से आपका जो इक्विपमेंट की जो बॉडी है नीचे की तरफ से वो भी रस्टी होना शुरू हो जाती है। तो बेटर वे उसको लेवल्ड करने के लिए उसके ऊपर स्टैंड के ऊपर रखो, तो ताकि आपको पता चले कि इक्विपमेंट लेवल्ड है और आपका जो बॉडी है वो इक्विपमेंट का जो बॉडी है वो रस्टी होने से बच जाए। तो ये एक बेसिकली ये चीज होती है, तो ये हमें इसको बिल्कुल देखना है। सेकेंडली जो यहाँ पर बताया गया कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल, तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमारे पास क्यों होना चाहिए? देखो इंस्ट्रक्शन मैनुअल इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरर का होता है, तो जनरली मैन्युफैक्चरर जो इंस्ट्रक्शंस मैनुअल देते हैं उसमें उनके इक्विपमेंट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट्स के पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट को किस तरह से ऑपरेट करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट के सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन, ये जनरली उन्होंने दिया होता है बिकॉज दिस इज स्टैंडर्ड। इंस्ट्रक्शन मैनुअल में क्या देना चाहिए दिस इज ऑल्सो ऑन स्टैंडर्ड। तो सारे मैन्युफैक्चरर जो है वो एटलीस्ट दिस काइंड ऑफ मिनिमम इंफॉर्मेशन उसमें रखते हैं, तो वो हमारे पास हमें रखना है। गवर्नमेंट की जो एसओपीज जो आती है दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम कि आपको वैक्सीन कैसे रखना है, क्या करना है, किस तरह से स्टैकिंग करना है, कब उसको मेंटेन करना है, उस तरह की आती है, बट बेसिक इंफॉर्मेशन दैट इज मेंशन इन द स्टैंडर्ड मैनुअल। तो वो हमेशा आपको देखना है कि वो आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो यू शुड रिपोर्ट टू द योर सुपरवाइजर कि हमें इसकी मैनुअल मिली नहीं है, क्योंकि उसके साथ जनरली मैनुअल्स होनी चाहिए और आती है। और दूसरा थर्ड है पार्ट कि आपका वो जो फॉर्म्स है वो वहां पे रखे है कि नहीं, तो जस्ट वो वहां पे रखा है वो पर्पज ये है कि आपके वहां वो कूलिंग लॉस ना हो। इक्विपमेंट जब आप खोलते हो, जब वो टॉप ओपनिंग लिड है जब उसको खोलते हो तो आपको कूलिंग लॉस नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपके वहां पे वो फॉर्म पैड रखे जाते हैं, तो उसका कुछ पर्पज है, तो वो भी आपको चेक करना है। बागल जी यू कैन कंटिन्यू। कंप्रेसर कंपार्टमेंट में कंटिन्यूटी और कनेक्शन चेक करें। अब ILR को दी जा रही पावर सप्लाई ऑन करें। पावर सप्लाई ऑन करने के बाद इक्विपमेंट को लगातार 48 घंटे तक चलने दें। इक्विपमेंट और दीवार के बीच कम से कम 10 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, जो कि लगभग 4 उंगली के बराबर होनी चाहिए। कोल्ड चेन रूम में पर्याप्त जगह होने के साथ साथ वेंटिलेशन होना भी जरूरी है। प्लीज, तो यहाँ पर एक दूसरा बताया गया है कि जब आप इक्विपमेंट को जब आपको ऑन करना है, मतलब इक्विपमेंट की सप्लाई कॉर्ड आपको अभी सॉकेट में लगानी है, तो उसके पहले आपको इक्विपमेंट के सप्लाई कॉर्ड की पावर कॉर्ड की कंटिन्यूटी चेक करनी है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंडली जो पावर कॉर्ड आपकी कंप्रेसर में जाती है उसकी भी आपको टोटल कंटिन्यूटी चेक करनी है, वो कहीं ब्रेक है या नहीं वो आपको देखना है।
और बाद में कॉम्प्रेसर की कंटिन्यूटी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ड्यूरिंग ट्रांजिट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है कि कहीं पर कॉम्प्रेसर अगर उसके शॉकिंग के वजह से मतलब कहीं पर वो धक्के खाने के वजह से कहीं ग्राउंड हो गया है, वाइंडिंग आपकी कहीं टच हो रही है, तो ये चीजें हमें बिल्कुल इंश्योर करनी है कि कॉम्प्रेसर ग्राउंड नहीं है। कॉम्प्रेसर के टर्मिनल में अगर आप चेक करते हो तो वहां आपके वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आपको सही बता रहा है, कहीं पर भी कुछ शॉर्ट नहीं है, आपके पावर कॉर्ड है कहीं पर ओपन नहीं है। ये सारी चीजें इंश्योर करने के बाद आपके इक्विपमेंट के सप्लाई कॉर्ड को आपके पावर सॉकेट में लगाना है। ये लगाने के बाद आपको हमें ये पता है कि हमें उसका पर्पस क्या है, टू स्टोर द वैक्सीन, तो आपको वैक्सीन रखना है। सेकेंडली आपको ये भी पता है कि अगर इन केस पावर फेल्यूर, अगर आपको वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन रखना है, इनसाइड कंपार्टमेंट टेम्परेचर अगर आपको मेंटेन रखना है, तो आपको होल्ड ओवर टाइम की जरूरत है। तो आपको होल्ड ओवर टाइम मिलेगा कैसा? तो इसके लिए जो आइस लाइनिंग है, मतलब जो इक्विपमेंट के इनर चेंबर में इसके साइड में जो आइस लाइनिंग होती है उसको भी ठंडा करने की जरूरत होती है, तो उसको एटलीस्ट 48 आवर्स तक आपको चलाना पड़ता है ताकि उस आइस पैक का जो एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर है वो टेम्परेचर तक जाने के लिए आपको 48 घंटा इक्विपमेंट को रन करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको जो मैन्युफैक्चरर ने जो क्लेम किया है कि मेरे इक्विपमेंट का होल्ड ओवर टाइम 26 आवर है या फिर 30 आवर्स है, जो भी क्लेम किया है, दैट विल बी ओनली पॉसिबल आफ्टर रनिंग दिस इक्विपमेंट एटलीस्ट फॉर 48 आवर्स। तो ये चीजें हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ओके बागल जी, यू कैन कंटिन्यू। कोल्ड चेन रूम में नमी और धूल नहीं होनी चाहिए। कोल्ड चेन रूम में कोई भी हीट सोर्स नहीं होना चाहिए। सूरज की रोशनी सीधे इक्विपमेंट पर नहीं पड़नी चाहिए। कोल्ड चेन रूम बारिश के पानी से सुरक्षित होना चाहिए। कमरे का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इक्विपमेंट में वैक्सीन रखने से पहले उसे 48 घंटे तक लगातार चलाना जरूरी है। ILR के अंदर का तापमान +2 से +8 डिग्री सेल्सियस और DF का तापमान -15 से -25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और स्थिर रहना चाहिए। सप्लाई और स्टेबलाइजर पावर प्लग पर डू नॉट अनप्लग का स्टिकर लगा होना चाहिए। टेम्परेचर रिकॉर्ड चार्ट इक्विपमेंट के साथ ही लगा होना चाहिए। इसे स्टाफ द्वारा नियमित रूप से भरा जाना चाहिए। स्टाफ द्वारा इक्विपमेंट को लॉक करने के बाद तो इसमें कुछ बातें ये बताई गई है कि अगर आप जहां पे इक्विपमेंट रखोगे तो वहां पर आपका उसके आजू बाजू में कोई हीट सोर्स होगा नहीं, ठीक है? हीट सोर्स आपको वहां पे होना नहीं चाहिए। सेकंडली ये भी बताया गया है कि जब आप इक्विपमेंट रखोगे तो वहां पे डायरेक्टली सनलाइट नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो और ये भी उन्होंने एक वीडियो में एक लाइन ये भी कही है कि जहां पे आप इक्विपमेंट रखोगे, जिस रूम में रखोगे, वहां का जो टेम्परेचर है वो 43 डिग्री के नीचे होना चाहिए। तो अभी इन चीजों का मैसेज ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हीट सोर्स है, दैट इज अगेन डेंजर फॉर फायर हजार्ड्स, वो भी चीज है, वो हीट जनरेट करता है और हीट जनरेट करने की वजह से आपके रूम का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो मतलब फायर हजार्ड्स भी है, रूम का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो सेफ्टी मेजर के लिए वो वहां पे होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? सेकंडली जब आपका रूम का टेम्परेचर 43 से ऊपर जाता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे इक्विपमेंट के ऊपर सामने ही बिल्कुल जैसे ये इक्विपमेंट में दिखाई दे रहा है कि 43 डिग्री वहां पे लिखा हुआ है। तो मतलब ये है कि इस इक्विपमेंट का पावर कंजम्पशन, इस इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस, इस इक्विपमेंट का ऑन लोड नो लोड जो भी परफॉर्मेंस है, बाद में होल्ड ओवर टाइम, ये सारे जो पैरामीटर्स है, दैट इज टेस्टेड विद द 43 डिग्री टेम्परेचर। अगर उसके ऊपर टेम्परेचर आपका चला जाता है तो इसके परफॉर्मेंस आपको वो नहीं मिलेंगे जो एक्सपेक्टेड है। तो हमें ये बिल्कुल कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हमें जहां पर भी हमारा इक्विपमेंट रखना है उस रूम का टेम्परेचर हमेशा 43 के नीचे मेंटेन रहे, ठीक है? ताकि आपके इक्विपमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो आपको ऑप्टिमम मिले। दूसरा एक लाइन उन्होंने कहा है कि डोंट कीप योर इक्विपमेंट सच दैट सनलाइट इज डायरेक्टली फोकसिंग ऑन द इक्विपमेंट। ये भी एक थोड़ी सी, अभी आप सब जानते हो कि अगर कंडेंसेशन आपको ठीक तरह से चाहिए तो आपको कंडेंसेशन के लिए आपको कंडेंसिंग टेम्परेचर और आपका एम्बिएंट टेम्परेचर में थोड़ा सा डिफरेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर आपका एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ गया तो आपका कंडेंसेशन प्रॉपर होगा नहीं, आपका जो टेम्परेचर आपका 2-4 डिग्री जो आपका 3 घंटे में आना है वो आने के लिए आपको 5 घंटा लगेगा। तो ये चीजें छोटी छोटी होती है बट बहुत बड़े मायने रखती है। आपका एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा और टेम्परेचर आपका जल्दी आएगा नहीं,
तो इन छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है। ओके बागल जी, यू कैन कंटिन्यू। चाबी को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। योगेश जी, नेक्स्ट सेशन का वीडियो प्ले करना है या फिर आप और कुछ बताना चाहते हो? विकास जी प्लीज कंटिन्यू। विकास जी, हाँ, इसमें आप लोग अभी जो हमने वीडियो देखा है इसी के हम लोग अभी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे, सो आई विल हैंड इट ओवर टू आवर प्रैक्टिकल टीम। मैं अभी वहीं जाके इसको कंटिन्यू करता हूँ। जो डेमो के लिए उस सड़क नो मैं चाह रहा था कि अपन जो फिल्म दिखा रहे हैं इतना लीड टाइम दिखना चाहिए, तुरंत कंटिन्यू बंद रहे क्योंकि दो घंटे की ट्रेनिंग है, एक घंटा फिर लोग ये फिर दे रहे हैं योगेश जी। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कौन सा वीडियो? वो वहाँ पे वीडियो कैमरा है, वो डायरेक्टली आपको लाइव डेमो दिखा रहे हैं। मतलब जो हमने अभी फिलहाल जो वीडियो में देखा है उसी का सप्लीमेंट वहाँ पे वो दिखाएंगे एक्चुअल। या 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 ये जो सॉकेट है ये 15 एम्पीयर का सॉकेट है, इसमें हम सब वोल्टेज चेक करेंगे। ये हमारा डिजिटल वोल्टमीटर है, इसका यूज करके हम वोल्टेज बढ़ा देंगे और वोल्टेज चेक करेंगे। और उससे सिंबल वगैरह बोले काफी सिंबल से मिला पाता है, इसमें काफी लैपटॉप चेंज है। हम डिजिटल मल्टीमीटर में इस नॉब को एसी मोड पे रखेंगे और अपना जो वोल्टेज रहता है वो एसी वोल्टेज रहता है, और उसे एसी मोड पे चेक करके चार जो हमारा वोल्टेज मेड और न्यूट्रल का है 230 वोल्टेज चाहिए, यहाँ 230 वोल्टेज दिखाई दे रहा है। मेड और न्यूट्रल में 230 वोल्टेज होना चाहिए। आप
और न्यूट्रल और अर्थिंग में जीरो वोल्ट है, 5 वोल्ट पर परमिसेबल है, यहाँ हमें 1 वोल्ट मिल रहा है। इससे इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो अर्थिंग है वो बराबर है। अभी हम अपना जो स्टेबलाइजर है ब्लू बल्ब का ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर कॉपर ऑन, ये कैसे कनेक्ट करेंगे इक्विपमेंट को, ये इसके बारे में हम आपको थोड़ा जानकारी देंगे। पहले हम जो इक्विपमेंट रहेगा आएगा उसका जो कंपनी है, ये जो तो सॉकेट है 15 एम्पीयर के, उसमें से एक सॉकेट को कनेक्ट करें। उसके बाद उसका जो एमसीबी है ये इसको ऑन करेंगे। उसको ऑन करने के बाद स्टेबलाइजर का जो पिन है इसमें हम कनेक्ट करेंगे। अभी अपना स्टेबलाइजर चालू हो गया, अभी ये जो दिखाई दे रहा है और ये अपना टाइमिंग है, टाइमिंग के लिए इसमें क्या होता है कि आपका जो आयलर है या डिविजर है ये 4 या 5 मिनट के बाद चालू हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये काउंट डाउन करेगा जब ये शुरू हो जाएगा तो आपका आयलर डिविजर चालू हो जाएगा। इसके लिए इसके ऊपर जो इंडिकेटर दिए है मेंस और लोअर और लो कट ऑफ हाई कट ऑफ क्विक स्टॉप बटन, ये जो है ये स्विच आपका जो स्टेबलाइजर का आउटपुट है वो आउटपुट यहाँ 230 जो वोल्टेज रहेगा वो आपको मिलेगा। अभी हम इसको डायरेक्ट करेंगे करने के बाद आपका जो आउटपुट है ये आपको 230 वोल्ट मिल गया है, जो जो मात्र वोल्टेज आपको आपके आईआर को मिलेगा। अभी ये जो अपना आईआर है इसका जो डिस्टेंस है ये दीवार से 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। दूसरा जो है जो आयलर है आयलर आयलर को स्टार्ट होना जरूरी है। यहाँ इस आयलर को कंपनी ने स्टार्ट दिए है इसके वजह से इसको स्टैंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आईआर को स्टैंड नहीं है तो आपको उड़न का एक स्टैंड तैयार करके इसके ऊपर उसके ऊपर आईआर को फिट करना पड़ेगा। ये इसका टेम्परेचर कंट्रोलर है, डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर, ये अपने अंदर के आईआर का टेम्परेचर यहाँ आपको मॉनिटर करके दिखाएगा। इसके सामने एक ऑन ऑफ स्विच दिया है। दूसरी बात इस टेम्परेचर कंट्रोलर के ऊपर हम टेम्परेचर सेटिंग और बाकी के पैरामीटर सेट कर सकते हैं। ये हमारा आयलर है, इसमें हम वैक्सीन रखेंगे। इस वैक्सीन को रखने के लिए यहाँ बास्केट दिए है, उसके साथ एक थर्मामीटर यहाँ लगाना जरूरी है। ये थर्मामीटर जो है ये अल्गोरिथमिक स्ट्रीम लाइट थर्मामीटर है।
बीम टाइप थर्मामीटर है, इसका जो टेम्परेचर है आईएलआर का प्लस 2 डिग्री से प्लस 8 डिग्री तक होना चाहिए। इसे हम यहाँ बास्केट बास्केट में हैंग करके रखेंगे। दूसरी बात है, आप देखेंगे कि आईएलआर में एक ड्रेन प्लग किया है, अगर समझे इसमें कुछ पानी वगैरह भर गया तो आप इस ड्रेन प्लग को हटा के इसमें इसमें जो पानी है उसको आप ड्रेन कर सकते हैं। अभी ये डोर का जो गैसकेट है ये हमेशा क्लीन होना चाहिए। अगर समझो ये डोर का गैसकेट अगर क्लीन नहीं रहेगा, इसके ऊपर अगर धूल धूल मिट्टी जमा हो गई तो आपका डोर का जो गैसकेट है ये पूरी तरह से फिट नहीं होगा। उससे क्या होगा कि आपका जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो लॉस हो जाएगा। वो टेम्परेचर अगर लॉस हो गया तो आपका जो वैक्सीन का पोटेंशियल वो खराब हो सकता है। इसके लिए आपको हमेशा इसको क्लीन करना जरूरी है। इसे क्लीन हम अपना जो सोप सॉल्यूशन है उससे हम महीने में उसको क्लीन करेंगे और उसको उसको मेंटेन करेंगे कि हमारा जो आईएलआर है उसका डोर अच्छी तरह फिट है या नहीं। दूसरी बात है कि हमें हमारे जो यूजर है उन्होंने हमें जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उनके पास टेम्परेचर लॉग बुक रहता है, उसमें उन्होंने टेम्परेचर रोज का रोज मेंटेन रखना चाहिए। उसके लिए उन्होंने अभी जो ग्राफ दिया है उसके ग्राफ के ऊपर वो हर एक दिन का यानी डे और रात इवनिंग का जो टेम्परेचर रहेगा उसका चार्ट बना के उसके ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके उसको बना के रखना चाहिए। ये हमारा कंप्रेसर है और इसके अंदर का एरिया पूरा क्लीन होना चाहिए। इसके लिए हमें महीने में एक बार ओटीसी टेक्नीशियन द्वारा इसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्लीन करना जरूरी है। बाकी के जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है जैसे कैपेसिटर वायर वो भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो क्यूएल वगैरह उसको काट देते हैं, उसके वजह से क्या होता है कि मशीन में फॉल्ट क्रिएट होता है। इसके लिए हमें ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि हमेशा उसका वायरिंग वगैरह ठीक है या नहीं। आपने
हेलो हाँ विकास जी हाँ बागल जी नेक्स्ट वीडियो प्लीज या ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है समस्या की जांच और समाधान करना। इस वीडियो में हम नॉन फंक्शनल ILR और DF में फॉल्ट ढूंढने और उसकी ट्रबल शूटिंग के बारे में जानेंगे। समय बचाने के लिए टेक्नीशियन को स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले सिस्टम को अच्छी तरह से देखकर चेक कर लें। प्लग, मेन सॉकेट और पावर सप्लाई को चेक करें। सुनिश्चित करें कि वोल्टेज स्टेबलाइजर ठीक से काम कर रहा है। इक्विपमेंट तक पावर सप्लाई सुनिश्चित करें। इक्विपमेंट की आगे की जांच करने के लिए पावर सप्लाई बंद कर दें। अंदर के कंपोनेंट्स की जांच के लिए कंप्रेसर कंपार्टमेंट खोलें। बागल जी, पावर कॉर्ड को शॉर्ट। प्लीज पॉज। हेलो, इस वीडियो में एक्चुअली अभी ये बताया जा रहा है कि हमें अगर इक्विपमेंट कुछ ट्रबल शूटिंग करनी है, मेंटेनेंस करना है, तो वो किस तरह से किया जाए। तो उसमें कुछ एक सीक्वेंस होता है, मतलब जैसे कि हमारे, हम सब जानते हैं कि हमें इक्विपमेंट रन करने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत होती है, तो हम सॉकेट से उसको पावर दे रहे हैं, बट हमारे सॉकेट के और इक्विपमेंट के बीच में एक स्टेबलाइजर भी है। तो सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि पावर सप्लाई अवेलेबल है। पावर सप्लाई अगर अवेलेबल है तो वो स्टेबलाइजर को जा रहा है। पावर सप्लाई अगर आपका विद इन द रेंज, मतलब इनपुट वोल्टेज की जो रेंज होती है, जो हमारे इसमें स्टैंडर्ड में 150 वोल्ट टू 280 वोल्ट, जो हमारे स्टैंडर्ड स्टेबलाइजर की जो इनपुट की रेंज है, मतलब जो हमें स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ मिलता है, उसकी 150-280 होती है, तो वहां तक अगर रेंज है तो आपकी आउटपुट में आपको 230 वोल्ट मिलना चाहिए। तो एट द आउटपुट ऑफ स्टेबलाइजर आपको वो चेक करना है कि कितना सप्लाई आ रहा है, और फिर उसके बाद हमारे इक्विपमेंट को सप्लाई जा रहा है, ये हमें इंश्योर करना है। ओके, बागल जी नेक्स्ट। सर्किट के लिए चेक करें। कंप्रेसर को सॉलिड ग्राउंड कनेक्शन के लिए चेक करें। अब कंप्रेसर टर्मिनल्स में कंटिन्यूटी चेक करें। कंप्रेसर तक जाने वाले सभी कनेक्शंस की जांच कर लें। चेक कर लें कि थर्मोस्टैट ठीक तरह से काम कर रहा है। बागल जी, यू कैन स्टॉप हियर। बागल जी, हम प्लीज टेक पॉज। अभी ट्रबल शूटिंग में कैसे है कि ट्रबल शूटिंग हम उन इक्विपमेंट का करते हैं जो इक्विपमेंट हमें बंद, या हमें किसी ने कंप्लेंट दी कि इक्विपमेंट बंद है या इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले, मतलब जैसे भी पहले बताया कि पहले तो आपको सब पावर सप्लाई वाला सेक्शन जो है उसी को छेड़ना है कि पावर सप्लाई अवेलेबल है क्या। अगर आपको पता चला गया कि पावर सप्लाई इज देयर, वोल्टेज स्टेबलाइजर भी आपका सही काम कर रहा है, तो उसके बाद फिर आता है कि इक्विपमेंट को जो सप्लाई जा रहा है वो किसको जा रहा है, दैट इज टू द स्टार्टिंग डिवाइस एंड कंप्रेसर। तो स्टार्टिंग डिवाइस को भी हम चेक करते हैं, बट उसके साथ में कंप्रेसर के अगर आपको टर्मिनल चेक करने हैं, तो आप सबको पता होगा कि हमारे सारे सिंगल फेज कंप्रेसर में रन वाइंडिंग,
आपका कॉमन वाइंडिंग मतलब कॉमन टर्मिनल और स्टार्ट वाइंडिंग, ये होते हैं स्टार्ट वाइंडिंग, रन वाइंडिंग एंड कॉमन टर्मिनल। तो आपको पहले तो सबसे पहले कि कौन सा स्टार्ट है, कौन सा रन है, कौन सा कॉमन है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद उसे हम कैसे चेक करेंगे ये आपकी उसके मेथड पता होना चाहिए कि मतलब अगर आपको स्टार्टिंग और वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक करना चाहिए तो वो कितना होना चाहिए, स्टार्ट कॉमन में रेजिस्टेंस चेक करना है तो वो कितना होना चाहिए, कॉमन में और मेन में आपको रेजिस्टेंस चेक करना है तो वो कितना होना चाहिए, ये तीनों के इसमें क्या रिलेशन है, मतलब किसका क्या समेशन आ सकता है। तो ये टर्मिनल आइडेंटिफाई करना, उसको चेक करना, उसको चेक करने के बाद इसको डिक्लेयर करना कि यस द वाइंडिंग इज इंटैक्ट, हमारा जो कॉम्प्रेसर उसकी वाइंडिंग सही है, फिर उसके बाद आप बाकी आगे भी आप जा सकते हो। तो आपको पहले सबसे पहले आपके टर्मिनल को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आप टर्मिनल आइडेंटिफाई करते हो तो वो आइडेंटिफाई करने के बाद उसका रेजिस्टेंस हो सही है कि वो आपको कैसे मेजर करना है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर जो प्रोसीजर है, एक बार आपको ये भी चेक करना चाहिए कि हमारा कोई वाइंडिंग का टर्मिनल कहीं ग्राउंड तो नहीं है, कहीं पर कुछ शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, कहीं बॉडी ग्राउंड तो नहीं है। तो इस तरह से हम कॉम्प्रेसर चेक करते हैं इलेक्ट्रिकली, ठीक है ना। तो ये इसका इलेक्ट्रिकल चेकिंग होता है। जो मैकेनिकल चेक्स होते हैं पंपिंग वगैरह वो बाद में, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ कोल्ड चेक, इसको कोल्ड चेक कहते हैं। मतलब विदाउट गिविंग एनी पावर सप्लाई टू इक्विपमेंट यू कैन परफॉर्म द कोल्ड चेक्स। तो ये जो आपका सारा जो सिस्टम है वाइंडिंग को चेक करना, वाइंडिंग के रेजिस्टेंस चेक करना, ये सारे कोल्ड चेक्स में आते हैं। ओके बाबा जी, यू कैन कंटिन्यू। देख सकते हैं कि फैन मोटर ठीक से काम कर रहा है। ये दिखाता है कि फैन मोटर तक पावर सप्लाई उपलब्ध है और थर्मोस्टैट ठीक से काम कर रहा है। सुनिश्चित करें कि रिले काम कर रहा है। इसके कॉन्टैक्ट्स की कंटिन्यूटी चेक करें। इस रिले में डाउनवर्ड पोजीशन में कोई कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है, जिसका मतलब है इसको बदलने की जरूरत है। नए रिले को लगाने से पहले चेक कर लें। रिले अगर खराब है तो कैपेसिटर को भी बदला जाना चाहिए। पुराने कैपेसिटर को नए कैपेसिटर से बदलें। आइए अब रिपेयर होने के बाद किए जाने वाले टेस्ट करें। टेस्ट करने के लिए इक्विपमेंट को ऑन करें। कंप्रेसर में करंट चेक करें। अगर जी यू कैन टेक द इक्विपमेंट ठीक से चल रहा है तो सुनिश्चित करने के लिए अभी वीडियो में जो ये क्लिप बताई गई है कि आप इसका थर्मोस्टेट भी चेक करें। तो आपको आप सभी जानते हो कि थर्मोस्टेट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ स्विच। ये भी एक स्विच होता है जो आपके टेम्परेचर को सेंस करके आपका सप्लाई स्विच ऑन और स्विच ऑफ करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर आपका थर्मोस्टेट ठीक है तो आपको रिले के ऊपर जो सप्लाई आता है मेन वाइंडिंग के ऊपर या फिर कॉमन के ऊपर, वो आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप इसको ये देख सकते हो कि मेरा थर्मोस्टेट जो है वो सही में काम कर रहा है। उसका चेकिंग चेक ऑपरेशन करने के लिए आप सिर्फ उसका फिलहाल, क्योंकि सेंसर आपके कूलिंग कॉइल में होता है तो उसको निकालना और उसको निकाल के चेक करना मुश्किल होता है, तो आपको बाहर का जो उसका टर्मिनल है वहां पे आप सप्लाई कहाँ तक आ रहा है वो आप उसको चेक कर सकते हो। मतलब थर्मोस्टेट का इनकमिंग टर्मिनल, थर्मोस्टेट का आउटगोइंग टर्मिनल, यहाँ पर आप वहां पे फेज और न्यूट्रल, एक न्यूट्रल को कॉमन पकड़ के वहां पर आप सप्लाई चेक कर सकते हो। अगर उसमें कंटिन्यूटी है, अगर वो काम कर रहा है, इट मीन्स एक्चुअली वो काम कर रहा है। बट कैसे है कि अगेन वो कब कट कर रहा है, कैसे कट कर रहा है, दैट इज अगेन अ डिफरेंट प्रोसीजर। उसको हमें बाद में चेक करना पड़ेगा कि वो सही टेम्परेचर को कट कर रहा है कि नहीं, बट एटलीस्ट यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि थर्मोस्टेट जो है वो स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आप रिले चेक करते हो, तो रिले में अभी कैसे है कि पहले जो हमारे ओल्ड मॉडल्स आपने देखे होंगे या फिर अभी भी जो हमारे हायर कैपेसिटी के जो कॉम्प्रेसर्स आते हैं, जिसमें आपका 1/5 एचपी के आगे या फिर 1/6 एचपी के जो कॉम्प्रेसर्स होते हैं, उसमें हमारे एलएमएस टाइप रिले होते हैं, जिसमें आपका एक प्लंजर होता है जिसमें एक छोटी सी वाइंडिंग होती है, और जो प्लंजर ऑपरेटेड रिले होते हैं उसे आपको चेक करने के लिए उसका प्रोसीजर पता होना चाहिए कि वो किस मोमेंट में आपका कॉन्टैक्ट ब्रेक करेगा, किस पोजिशन पे कॉन्टैक्ट वो जो है वो मेक करेगा। तो उसको चेक करने के लिए जो प्रोसीजर है हम आपको प्रैक्टिकल में बताएंगे उसको किस तरह से चेक करना है, ठीक है। तो दैट इज अवर लर्निंग सेशन इन द प्रैक्टिकल। उसके बाद दूसरा जो रिले है आपका पीटीसी, जिसे हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं, उस रिले को भी चेक करने के डिफरेंट प्रोसीजर है। मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट मेक ब्रेक चेक करते हैं, ठीक है ना।
मतलब उसको एक पोजीशन पे लेके बाद में उसको थोड़ा सा उल्टा करके दोनों पोजीशन में उसको कॉन्टैक्ट मैग्नेटिक चेक करते हैं। बट यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर आपको उसका रेजिस्टेंस चेक करना होता है। तो रिले का काम तो एक ही है, बट रिले का जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो डिफरेंट है दोनों केस में। एलएमएस अगर है तो वो डिफरेंट है, पीटीसी है अगर तो वो डिफरेंट है। तो दोनों का चेक करने का सिस्टम अलग है। तो चेक करने के लिए, चेक करने के बाद हमें इस डायग्नोसिस तक हम कब जाएंगे कि ये खराब है, जब हमें उसकी ऑपरेटिंग की प्रोसीजर पता हो, जब ऑपरेटिंग का उसका प्रिंसिपल पता हो। आप कब कहोगे कि ये मेरा पीटीसी खराब है, जब आपको ये पता है कि इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया है, वो आपकी वाइंडिंग को कट नहीं कर रहा है। तो ये जो डायग्नोस्टिक पॉइंट जो होते हैं ना, ये हमें पता चाहिए, और ये डायग्नोस करने के लिए जो प्रोसीजर है ये हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए। ओके, अब हम ये सब अभी यहाँ पे दिखाया गया है कि रिले खराब है, इन्होंने रिले चेंज कर दिया, अभी रिले उसने मशीन में लगाया है, तो अभी उसके बाद ये मशीन को सप्लाई दे रहे हैं, और मशीन को सप्लाई देने के बाद आपने देखा हुआ है क्लिप में कि उन्होंने टॉन्ग टेस्टर जो है वो उसके सर्किट में लगाया है। वो यही चेक करने के लिए लगाया है कि आपका कॉम्प्रेसर स्टार्टिंग में सही एम्पेयर ले रहा है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ले रहा है, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद वो बहुत रनिंग करंट ले रहा है, एम्पेयर कम ले रहा है, इसका मतलब आपका रिले अभी काम करना शुरू हो गया है। तो दिस इज एक्चुअली द डायग्नोस्टिक पॉइंट, ठीक है ना, कि आपने जो किया है वो सही किया है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली काम करना है, एक एक चेक करना है आपको कि कहां कहां पर आपको, मतलब इसको कहते हैं पिन पॉइंट डायग्नोसिस। मतलब ये नहीं कि रिले खराब है आपका और आपने कॉम्प्रेसर आप चेक कर रहे हो, तो हमें बिल्कुल बिल्कुल इक्विपमेंट का ओवरऑल सारे ये सिम्टम्स देख के हमें ये पता होना चाहिए कि ये कॉम्पोनेंट ये फेल होने के चांसेस संभावनाएं ज्यादा है, एंड दैट कम्स विद द एक्सपीरियंस। वो आपके एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि यस ये इसमें फॉल्ट हो सकता है, ये इसमें गलती हो सकती है। तो ये एक्सपीरियंस भी काफी मैटर करता है, बट व्हाटएवर इट मे बी, आपको बिल्कुल सिक्वेंशियली सिस्टमेटिकली हमारी ये प्रोसीजर इस तरह से जो अभी जो आपको जो बताई जा रही है उसको इस तरह से फॉलो करना है। ओके भागल जी, यू कैन कंटिन्यू द वीडियो। दर का तापमान चेक करें। तापमान का कम होना यह दिखाता है कि इक्विपमेंट ठीक से काम कर रहा है। अब कंप्रेसर कंपार्टमेंट को बंद करें और इक्विपमेंट के आसपास सफाई कर दें। हेलो, हाँ, इस वीडियो के बारे में मैं ये भी इनको बताना चाहूंगा कि कैसे है कि जो इक्विपमेंट आपको पता, अगर आपको कंप्लेंट मिली है कि कहीं पर भी किसी पीएससी में ये इक्विपमेंट आपके पास खराब है, वो काम नहीं कर रहा है, तो अगर आपके पास इसका डाटा है कि आपको पता है कि वहां पर वेस्ट फ्रॉस्ट का इक्विपमेंट है, या फिर आपके वहां पर हायर का इक्विपमेंट है, या फिर और कोई दूसरा इक्विपमेंट है, तो उस टेबल पे जो बताया गया था कि टूल्स कौन से है, एक टूल आपका जो है वो टॉन्ग टेस्टर है, मल्टीमीटर है, और उसके साथ जो आपको स्पेयर लेके जाने हैं, तो स्पेयर आप कौन सा लेके जाओगे। तो अगर आपके पास इक्विपमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन है, अगर आपके पास इक्विपमेंट के सारे ये स्पेयर पार्ट कॉम्पोनेंट का सारा आपके पास डाटा बेस अगर अवेलेबल है, तो कैसे कि आपका जो विजिट है वो बिल्कुल, मतलब वो ये कहते कि that will be not in when, कि आप जाओगे अगर आपके पास स्पेयर पार्ट रेडी है तो आप तुरंत देखोगे कि यार ये मतलब फास्ट में स्पेयर पार्ट उसका रेडी है, पीटीसी है, एलएमएस है, वैसे तो होता ही है, बट अगर आपको इक्विपमेंट की पूरी जानकारी है, इक्विपमेंट का आपके पास हिस्ट्री कार्ड है, आपने इक्विपमेंट को बार बार रिपेयर किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट टाइम मैंने ये किया था, तो फॉल्ट डायग्नोसिस के लिए आपको ये मदद मिल सकती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इसका ट्रैक रखोगे, इसका अगर आप रिकॉर्ड रखोगे कि कौन से इक्विपमेंट को मैंने किस बार कब रिपेयर किया था, उसका कब स्पेयर पार्ट मैंने बदला था, कौन सा स्पेयर पार्ट चेंज किया था, कंप्रेसर का रेटिंग क्या है, रिले कौन सा है, पीटीसी है, एलएमएस है, थर्मोस्टेट कौन सा है, मैकेनिकल है, डिजिटल है, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको इक्विपमेंट रिपेयर करने में ये इन्फॉर्मेशन काफी मददगार साबित हो सकती है। तो द मैसेज इज यू ट्राई टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द इक्विपमेंट टेक्निकली स्पेयर पार्ट वाइज, कॉम्पोनेंट वाइज, डिवाइस वाइज, एंड वॉट एवर एक्चुअली, मतलब आपने जितना भी उसके ऊपर काम किया है, अगर उसका आपके पास हिस्ट्री है तो आपको पता चलेगा कि इस इक्विपमेंट में क्या खराबी आ सकती है। तो दिस इज द मैसेज, बाकी यू कैन कंटिन्यू नेक्स्ट।
योगेश जी डेमोंस्ट्रेशन होगा या फिर नेक्स्ट वीडियो प्ले करना है? हाँ डेमोंस्ट्रेशन करते हैं अभी फिर से। जी विकास बागल जी डेमोंस्ट्रेशन करना है। जी ओके आपका कैमरा ऑन कर दीजिएगा विकास जी तो पता चलेगा कि कहाँ पे किसको स्पॉटलाइट करना है। This is our PTC relay. Okay, this is having three terminal clips. Common running and start. ये जो PTC relay है, ये इसे हम compressor के terminals को लगाएंगे, common और running और starting. और इसके ऊपर अपना जो compressor है, ये compressor start हो जाएगा. ठीक है? तो आप देखेंगे इसके connection इसमें दो कनेक्शन है एक न्यूट्रल और एक लाइन न्यूट्रल और लाइन और इसका जो रेजिस्टेंस है आप चेक करेंगे इसके अक्रॉस तो इसके ऊपर लिखा है 25 ओम तो हम मल्टीमीटर के ऊपर इसको चेक करेंगे कि इसका रेजिस्टेंस बराबर है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे डिजिटल मल्टीमीटर यूज करेंगे। पहले हम मल्टीमीटर को ऑन करेंगे। मल्टीमीटर ऑन करने के बाद इसको हम रेजिस्टर मोड के मोड पर रखेंगे 200 ओम के ऊपर। ठीक है तो हम इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं इसका 33 ओम है और इसके ऊपर जो लिखा है 25 ओम यानी वो परमिसेबल है प्लस माइनस 5%। ये अपना एलएमएस रिले है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रिले में आप चेक करेंगे इसका कंटिन्यूटी
ये जो एडम सेमिनार जो है हम लोग का, इसमें हम लोग ये प्रोडक्ट एक दो तीन चार चार टर्मिनल से राइट, तो इसमें जो है हम लोग ये हम लोग का कॉमन है जो कि हम लोग का प्रोफेसर के कॉमन पॉइंट में जाएगा। ये आपका जो है ये आपका सप्लाई का है, ये आपका सेल का है, ये आपका न्यूट्रल का है ठीक है। उसके बाद जो है ये यहाँ पर जो है आपका स्टार्टिंग का प्रश्न लगे दोनों में, और इसको स्टार्टिंग कैपेसिटर रखने के बाद जो है ये थ्रू स्टार्टिंग कैपेसिटर सप्लाई जो है स्टार्टिंग मार्किंग हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए जो हम सबसे पहले जो है हम इसको इसका रनिंग का जो है पॉइंट उसको हम चेक करेंगे। इसका रनिंग का जो पॉइंट है इसका जनरल जी यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्या अगर गजेंगे भी दिखा रहा है इसका मतलब आपका पॉइंट ओके है ठीक है। इसके बाद जो है आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट आपको देखना जरूरी है, अगर इस पोजीशन का आप उसको चेक करोगे तो आपको इसका क्वांटाइज नहीं दिखाएगा ओके, और अगर आप इसको रिवर्स पोजीशन में ले लो उल्टा कर दो तो ये दिखाना चाहिए, ये जब दिखा रहा है इसका मतलब ये रिले आपका ओके है, जैसे मतलब प्लंजर इसका ऑपरेट हो रहा है ठीक है। ये फिर से हमने सीधा कर दिया तो ये ऑफ होना चाहिए मतलब, और ये ऑफ हो रहा है इसका मतलब हम लोग का जो रिले है वो ठीक से काम कर रहा है ओके। इसके बाद जो है इसका कंटिन्यूटी जो है यहाँ पर हम लोग इसे भी चेक कर सकते हैं, तीन पॉइंट हम लोग के कि हम लोग का सी है ये एस है ये आर है, यहाँ पर कॉमन है स्टार्टिंग है रनिंग है ठीक है। जो हमारा जो स्टार्टिंग का प्रेशर है जो इसका जो वैल्यू है ये 60 माइक्रोफैरड है प्लस माइनस 10%। अभी हमारा जो कैपेसिटर है हम इसका रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी देखेंगे, तो अगर आपका इसको चेक करने के लिए हम रेजिस्टेंस वैल्यू हाई वैल्यू पर रखेंगे। सर रिक्वेस्ट है थोड़ा लाउडली बोलेंगे प्लीज। अगर समझो आपको इसका वैल्यू मल्टीमीटर पे दिखाई दे रहा है इसका रेजिस्टर का वैल्यू आपको इसके ऊपर मिल रहा है, तो आपको आपका कैपेसिटर है ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग के मोड पे आपको इसका वैल्यू दिखाई देगा। अब इसको रिवर्स में दिखाएंगे तो उसका वैल्यू वापिस कम होके वापिस बढ़ जाएगा, तो आपका जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर एकदम ओके है, आप इसको मशीन में लगा सकते हैं। अभी हमारा कंप्रेसर है, इसके कंप्रेसर के हम टर्मिनल चेक करेंगे, इसमें तीन टर्मिनल है कॉमन रनिंग और पास, हम इसके रेजिस्टेंस चेक करेंगे। अगर समझो कंप्रेसर शॉर्ट हो गई, अगर आप इसके आर्थिंग चेक करेंगे कौन से एक टर्मिनल को लगा के, अगर समझो आपका समझो कंप्रेसर खराब हो गया या शॉर्ट हो गया तो हम क्या करेंगे इसके कौन से भी एक टर्मिनल को एक मल्टीमीटर का कनेक्शन लगाएंगे और दूसरा कनेक्शन उसके अर्थिंग यानी बॉडी को लगाएंगे, जैसे हम देख रहे हैं इस बॉडी को लगा सकते लगा करके चेक करेंगे तो हमें इधर कुछ भी कंटिन्यूटी अगर दिखाई दे रही है, जैसे मैं चेक करने के बाद
ऐसा कुछ वैल्यू मिलेगा रेजिस्टर का वैल्यू, तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आपका जो कॉम्प्रेसर है ये कॉम्प्रेसर शॉर्ट हो गया है, अंदर की वाइंडिंग शॉर्ट हो गई। अगर आपको समझो इसके वैल्यू मिल रही है, आपको अगर समझो रेजिस्टर की वैल्यू बराबर मिल रही है तो आपका जो कॉम्प्रेसर है वो एकदम ठीक है, इसके कनेक्शन भी ठीक है। उसके बाद आपको आपके जो एलएमएस रिले है और ये कैपेसिटर है, इसको आपको उसे फिट करने का है और उसको आपको चेक करके कनेक्शन देखने हैं कि आपका कॉम्प्रेसर बराबर चल रहा है। उसके बाद हमें चेक करना है आपका जो टेम्परेचर कंट्रोलर है, जो माइक्रोप्रोसेसर टेम्परेचर कंट्रोलर है। कभी-कभी क्या होता है कि आपका टेम्परेचर कंट्रोलर कभी खराब हो जाता है, इसमें ज्यादा करके प्रॉब्लम आता है कि इसका टेम्परेचर खराब हो जाता है, उसके वजह से आपका जो अंदर का टेम्परेचर है ये बराबर मेंटेन नहीं होता। कभी-कभी इसके ऊपर प्रोब फेलियर का अलार्म आता है, तो आपको चेक करने का है कि आपका जो प्रोब है वो उसका वायर अंदर से कंट्रोलर से निकल गया है। जैसे ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक फेज न्यूट्रल और एक प्रोब का कनेक्शन किया है और एक वायर जो है वो कॉम्प्रेसर के टर्मिनल को जाती है, कॉम्प्रेसर को जाती है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्रोब का वायर है कभी कभी कट जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर है अंदर का मेंटेन नहीं होता। तो आपको ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है इसके ऊपर आपके जो अलार्म आ रहे हैं उसको आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या अलार्म आए। अगर समझो प्रोब फेलियर का पीएम आ रहा है तो इसका जो प्रोब है ये फेल हो गया। कभी कभी दूसरा आता है कि हाई टेम्परेचर, दूसरी बात कभी कभी पूरा डिस्प्ले ही नहीं दिखाई देता, तो आपको ये कन्फर्म होना चाहिए कि आपका जो टेम्परेचर कंट्रोलर है तो इसको सप्लाई आ रही है नहीं। दूसरी बात है कि कभी कभी इसका जो रिले रहता है आउटपुट रिले ये कभी कभी शॉर्ट हो जाता है तो ओपन हो जाता है, तो उसके वजह से आपका जो मशीन है वो कंप्रेसर ऑन नहीं। विकास जी, हाँ बागल जी, नेक्स्ट वीडियो, हाँ एक मिनट, हाँ हाँ कुछ लोगों की थोड़ी जो ग्रुप के व्हाट्सएप चैट में डाले गए हैं रिमार्क्स थे कि थोड़ा वॉइस जो है वो थोड़ा बढ़ाना होगा डेमोंस्ट्रेटर्स को, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज उनके साइड से जब भी प्रेजेंट कर रहे हो थोड़ा सा जोर से बोले ताकि लोगों को बराबर से सुनाई दे। मल्टीमीटर या मल्टीटेस्टर, जिसको कि वोल्ट ओम मिलीमीटर के नाम से भी जाना जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर कई मेजरमेंट फंक्शंस होते हैं। मल्टीमीटर की मदद से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को मापा जा सकता है। मल्टीमीटर दो प्रकार के होते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर और एनालॉग मल्टीमीटर।
डिजिटल मल्टीमीटर डिजिट्स होती हैं। एनालॉग मल्टीमीटर में एक स्केल होता है जिसमें पॉइंटर या नीडल लगी होती है। स्टेबलाइजर के अलग अलग टेस्ट और रिपेयर करने के लिए ये दोनों ही मल्टीमीटर आवश्यक होते हैं। आइए जानते हैं इनके काम करने का तरीका। दो मल्टीमीटर यह काले रंग की होती है और मल्टीमीटर के COM सॉकेट में लगती है जो कि हमेशा रंग होता है। ये मेजरिंग लीड है, ये लाल रंग की होती है। ये लीड रेड सॉकेट में लगती है जिससे वोल्टेज और रेजिस्टेंस मेजर किया जा सके। करंट मापने के लिए लाल लीड को A सॉकेट में लगाएं। वोल्टेज मापते हुए रेंज सेलेक्ट करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि लाल लीड वोल्टेज या रेजिस्टेंस के लाल सॉकेट में लगी है। अगर आप डीसी वोल्टेज मापना चाहते हैं तो मीटर में सही डीसी रेंज सिलेक्ट करें। इसी तरह अगर आप एसी वोल्टेज मापना चाहते हैं तो एसी वोल्टेज रेंज सिलेक्ट करें। अभी जो आपको ये वीडियो बताया जा रहा है, रेंज सिलेक्ट करें। रेजिस्टेंस मापने से पहले सर्किट की ये वीडियो के क्लिप में अभी आपने देखा होगा कि आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो मल्टीमीटर जिसे हम ये जो डिवाइस है जिसे हम मल्टीमीटर कहते हैं, इसका एक तो पर्पस क्या है और हमें इसको बाद में हमारे जब हम इक्विपमेंट को चेक करते हैं, इक्विपमेंट का फॉल्ट डायग्नोसिस करते हैं, तो उस काम के लिए इसको किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है, तो ये पर्पस है एक्चुअली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बताया गया है कि मल्टीमीटर के अभी दो टाइप आते हैं, एक तो आपका पुराने वाले सारे जो मल्टीमीटर आपने देखे होंगे वो सारे एनालॉग टाइप के थे, और अभी जो फिलहाल जो मल्टीमीटर जो मार्केट में है, जो नया टेक्नोलॉजी अभी डेवलप्ड हुआ है पूरा, मतलब अभी इसको हम रिसेंट नहीं कहेंगे, ये भी टेक्नोलॉजी अभी पुरानी हो गई है, बट इट इज अ डिजिटल वन। मतलब आपका जो मल्टीमीटर है इंस्टेड ऑफ एनालॉग अभी वो डिस्प्ले के ऊपर आपके वो डायरेक्टली जो पैरामीटर है उसके वैल्यू दिखाते हैं, इसके लिए उसके डिजिटल मल्टीमीटर कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि आपको ये जो मल्टीमीटर है वो किस पर्पस के लिए यूज करना है, कौन से पैरामीटर को मेजर करने के लिए यूज करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका मल्टीमीटर किस किस पैरामीटर्स को मेजर करेगा। एक तो पहली बात सबसे कॉमन होता है आपका कंटिन्यूटी, मतलब आपके वायर कंटिन्यू है, कहीं पे ब्रेक नहीं है, इसको अगर आपको चेक करना है तो आप कंटिन्यूटी देखने के लिए इस मीटर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सेकंड जो आपका रेजिस्टेंस है, आपके सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस आपका है तो वो अगर आपको चेक करना है, मतलब देखो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको ज्यादा करके आप जब इलेक्ट्रिकल वायरिंग चेक करोगे तो आप कंटिन्यूटी चेक करते हो, बट जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट चेक करोगे, जैसे कि आपके स्टेबलाइजर में आपके पीसीबीज होते हैं, है ना, बाकी आपके कंप्रेसर में जो पीटीसी रिले होता है, जहां पर आपको रेजिस्टेंस मेजर करने की जरूरत है वो रेजिस्टेंस भी आप इस मल्टीमीटर का यूज करके चेक कर सकते हो। थर्ड वन अगेन द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर आपका वोल्टेज। वोल्टेज में आपको पता है कि आपको डीसी वोल्टेज भी होता है, एसी वोल्टेज भी होता है। हमारे ये केस में जनरली जब हम इक्विपमेंट चेक करते हैं तो हमें एसी सप्लाई चेक करना होता है, चाहे फिर वो पावर सॉकेट के लिए हो, चाहे फिर आपका वो वोल्टेज चार्जर के इनपुट आउटपुट के लिए हो, या फिर आपके कॉम्प्रेसर के जो स्टार्टिंग डिवाइस है वहां पर आपका सप्लाई अगर आता है वहां पे आपको चेक करना होता है, थर्मोस्टेट के ऊपर आपको चेक करना होता है। तो जहां जहां पे आपको वोल्टेज के आपको चेक करना है वहां आप इस मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर डीसी वोल्टेज की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी जगह पे आप जहाँ पे स्टेबलाइजर चेक करोगे जो आपके आईएलआर के या डिफ्यूजर के साथ में होता है, उसको अगर आप ओपन करोगे तो उसमें आपके जो पीसीबी कंपोनेंट के ऊपर जो डायोड सर्किट, रेफ्रिजरेटर सर्किट, जो रेक्टिफायर सर्किट होता है वहां पर, या फिर आपकी वहां पे अगर कोई बैटरी है, जो एलईडी सप्लाई है वहां पर, जहां पर आपको डीसी वोल्ट चेक करना है वहां आप डीसी सिलेक्शन करके उसका डीसी वोल्ट चेक कर सकते हो। ये हो गया आपके वोल्टेज के बारे में। उसके बाद मल्टीमीटर में आप करंट भी चेक करते हो, तो करंट भी आपको जो चेक करना है उस करंट के लिए आपको रेंज दिया जाता है कि एम्पियर है, मिले एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर है, तो वो आप डायरेक्टली आप उसको चेक कर सकते हो। तो मल्टी मींस एक से ज्यादा, मतलब आप कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस, वोल्टेज,
आपका करंट, ये सारे मल्टी फंक्शन आप इस मीटर से चेक कर सकते हो। और बहुत सारे मीटर्स में एडवांस फीचर्स भी होते हैं जिसमें आप कैपेसिटेंस चेक करोगे, इंडक्टेंस चेक करोगे, है ना, बाकी उसका पावर फैक्टर चेक करोगे, आपकी फ्रीक्वेंसी चेक करोगे। तो फॉर एग्जांपल वो मल्टी हो गए, बट जस्ट है कि चार पैरामीटर की जगह पे आपके 10 पैरामीटर आप उसमें चेक कर सकते हो। बट हमारे लिए जो बेसिक मल्टीमीटर की जरूरत है, दैट इज ओनली फॉर द कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट। ये अगर आपके पास मीटर है तो आप अपने इक्विपमेंट का, चाहे फिर वो आपका आईएलआर हो, डिफ्रीजर हो, इवन आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर हो, आप आपका फॉल्ट डायग्नोसिस अच्छी तरह से कर सकते हो। बट इसको यूज करने के लिए जो प्रोसीजर है, यूज करने के लिए जो मेथड है, वो यहाँ पर समझ लेना बहुत जरूरी है। बागल जी, यू कैन कंटिन्यू। पावर सप्लाई बंद करना सुनिश्चित कर लें। ये कंटिन्यूटी रेंज है। इस रेंज को सिलेक्ट करके कंडक्टर की कंटिन्यूटी चेक की जाती है। मल्टीमीटर द्वारा करंट मापने से पहले सुनिश्चित कर लें मेजरिंग लीड मल्टीमीटर के अमीटर सॉकेट में है। मल्टीमीटर की लीड्स को उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के टर्मिनल्स में लगाएं जिसका वोल्टेज मापना है। डीसी वोल्टेज मापने के लिए कनेक्शन की पोलैरिटी सुनिश्चित करें। लाइव कनेक्शंस पर काम करते हुए सावधानी बरतें। अब एसी वोल्टेज मेजर करते हैं। मल्टीमीटर की लीड्स को उन टर्मिनल्स पर लगाएं जिनका वोल्टेज मापना है। अब रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस सिर्फ स्विच्ड ऑफ कंडीशन में चेक किया जाता है। हमें इन रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस मापना है। मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस सेलेक्ट करें। लीड्स को रेजिस्टर्स के अक्रॉस लगाएं। रीडिंग नोट करें। अब लीड्स को इंटरचेंज करें, क्योंकि रेजिस्टेंस मापने में पोलैरिटी की कोई भूमिका नहीं होती। अब देखते हैं एक कंडक्टर की कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है। इसके लिए इस फ्यूज की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी रेंज सेलेक्ट करें। लीड्स को टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्ट करें। मीटर जीरो रीडिंग दिखा रहा है, मतलब ये फ्यूज ठीक है। अब एमसीबी चेक करते हैं। लीड्स को एमसीबी टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्ट करें। मीटर जीरो रीडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब है ये एमसीबी ऑन है। अब एमसीबी स्विच ऑफ करें। मीटर दिखा रहा है कि ये ओपन या डिसकंटिन्यूअस है। अब डायोड को चेक करते हैं। डायोड को हमें अलग करके चेक करना चाहिए। हाँ, तो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि मल्टीमीटर से वोल्टेज किस तरह से चेक किया जा रहा है, रेजिस्टेंस किस तरह से चेक किया जा रहा है। बट इसको चेक करते समय जो हमें मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है, जो हमें प्रोसीजर अपनाना है, जिस मेथड से जाना है, हमें मीटर्स के बारे में बिल्कुल पता होना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सर्किट का रेजिस्टेंस चेक करना है, अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो बिल्कुल ये ध्यान में रखें कि ये कोल्ड चेक्स होते हैं। इस समय आप उसको इक्विपमेंट को कोई सप्लाई ना दे। अगर आप सप्लाई देते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे है कि आपने जो लीड रखी है वो आपने रेजिस्टेंस के ऊपर रखी है, मतलब जो आपका जो प्रोब है मल्टीमीटर का वो आपने रेजिस्टेंस के सॉकेट में लगाया हुआ है। तो क्या होता है कि एक तो सप्लाई देने के बाद अगर आप इसको लगाते हो तो आप शॉर्ट सर्किट कर रहे हो, तो हमें इससे बचना है। तो हमें हमेशा लीड लगाने से पहले, चाहे आप उससे वोल्टेज मेजर करो या फिर करंट मेजर करो या आपका रेजिस्टेंस मेजर करो, पहले ये देखना है कि हमने हमारा जो ये सिलेक्टर नॉब जो है वो कहाँ पे रखा है। अगर रेजिस्टेंस पे रखा है तो आपको कभी भी ऑन सप्लाई, एक्टिव सप्लाई में उसको चेक नहीं करना है। आपको हमेशा कोड चेक करने के लिए सप्लाई डिस्कनेक्ट करना है। सप्लाई डिस्कनेक्ट करने के बाद ही आपको कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस, ये पैरामीटर आपको चेक करने हैं। जब आपको वोल्टेज चेक करना होता है तो आपको वोल्टेज चेक करने के लिए सप्लाई देना पड़ता है, और सप्लाई देने के बाद ये आप बिल्कुल ध्यान से देखो कि आपने प्रोब कहाँ पे रखे हैं, क्योंकि उस समय आपका सर्किट पैरेलल
कनेक्शन में होना चाहिए। अगर आप गलती से भी सीरीज कनेक्शन में जोड़ते हो तो वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और अननेसेसरी दैट विल क्रिएट वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। तो आपको ये चीजें बिल्कुल संभालनी है, क्योंकि कैसे कि यही छोटी छोटी चीजें होती है कि ये छोटा जो प्रोब है आपने वहां पर प्रैक्टिकल में देखा भी होगा कि वहां उनको कॉम्प्रेसर में लगाने में दिक्कत हो रही थी, वहां पे वो जो प्रोब का जो छोटा आगे वाला जो छोटा टर्मिनल है वो कॉम्प्रेसर के टर्मिनल के ऊपर बैठने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो क्या होता है कि अननेसेसरी कभी कभी गलती से आपका प्रोब कहीं पे ग्राउंड पे लग गया, कहीं पे बॉडी पे लग गया, तो शॉक को बैठने के बहुत चांसेस होते हैं अगर आपका सप्लाई ऑन है। तो अगर आपको करंट मेजर करना है तो भी आपको देखना है कि आपका जो मल्टीमीटर है वो आपके इक्विपमेंट के साथ में सीरीज कनेक्शन में जुड़ रहा है, तभी वो आपको करंट बताएगा। जब आप करंट चेक कर रहे हो तो आपने अगर आपको एम्पियर में चेक करना है तो आपको ये देखना चाहिए कि हमने जो सिलेक्टर नॉब रखा है वो मिले एम्पियर पे रखा है कि माइक्रो एम्पियर पे रखा है। क्योंकि अगर आपने समझो कम एम्पियर पे रखा है और अगर आप ज्यादा एम्पियर चेक कर रहे हो तो उस केस में भी आपके जो मल्टीमीटर है उसके सर्किट का प्रॉब्लम हो सकता है, मल्टीमीटर का सर्किट डिफ्यूज हो सकता है। अगर आपका एनालॉग मीटर है तो उसका जो निडल है वो भी स्टक होके वो खराब हो सकता है। तो ये छोटी चीजें हमें मल्टीमीटर इस्तेमाल करते समय बिल्कुल ध्यान से देखनी है। और अगर 2 मिनट लेट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पहले ये देखना है कि जो पैरामीटर मैं मेजर कर रहा हूं उसके लिए मैंने सिलेक्टर नॉब क्या सिलेक्ट किया है, उसके लिए मैंने रेंज क्या सिलेक्ट की है, और जो पैरामीटर है वो कोल्ड शेक के लिए है या हॉट शेक के लिए है, और जो मैं जैसे लगा रहा हूँ वो सीरीज में लगा रहा हूँ या पैरल में लगा रहा हूँ। तो ये हमें बिल्कुल सतर्क रह के हमें देखना है, क्योंकि अदरवाइज ट्रबल शूटिंग करना, फॉल्ट डायग्नोसिस करना, ये तो बात दूर की रहती है। हम अगर कुछ गलत कर देते हैं तो अगेन वी आर क्रिएटिंग द फॉल्ट्स। तो हमें ये चीजें बिल्कुल ध्यान से देखनी है। ओके बागल जी, यू कैन कंटिन्यू। के लिए मल्टीमीटर की रेंज कंटिन्यूटी पर ही रहने दें। डायोड पर लगी सिल्वर रिंग से पता चलता है ये कैथोड टर्मिनल है, दूसरा टर्मिनल एनोड है। अब लाल लीड को डायोड के एनोड से और काली लीड को कैथोड से कनेक्ट करें। मीटर रीडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब है कि डायोड ठीक है और फॉरवर्ड बायस्ड कनेक्शन में है। अब लीड्स को रिवर्स करके लगाते हैं, मीटर कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा, ये दिखाता है कि डायोड ठीक है और रिवर्स बायस्ड कनेक्शन में है। सर्किट में मौजूद करंट को मापने के एमीटर को सर्किट में इंसर्ट करना जरूरी है। करंट को मापने के लिए लाल लीड एमीटर प्लग में लगी होनी चाहिए। सही रेंज सेलेक्ट करें। लीड्स को सेल टर्मिनल से कनेक्ट करें। मीटर करंट रीडिंग दिखा रहा है। लीड्स बदलकर लगाने पर मीटर नेगेटिव रीडिंग दिखाता है। हेलो, हाँ, इसमें लास्ट में आपको आपने देखा होगा कि थोड़ा सा डायोड के बारे में भी बताया गया है। तो ये कैसे है कि डायोड का सिर्फ थोड़ा अगर वो कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक है तो हो सकता है कि जो हमारे रेफ्रिजरेशन बैकग्राउंड से जो टेक्नीशियंस है उनको इनके इसके बारे में ज्यादा पता ना हो, अदरवाइज उनका भी एक्सपीरियंस इसमें काम में है। बट पीसीबी लेवल का जब हम रिपेयरिंग की बात करते हैं तो उसमें डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, ये FETs, CMOS, इस तरह के जो कॉम्पोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं उनको एक टेस्टिंग करने का, उसके रीडिंग्स को मेजर करने का एक अपना तरीका होता है, ठीक है ना। बट डायोड के बारे में इसमें इसलिए डाला गया है कि बहुत बार क्या होता है कि अगर आपका पावर सप्लाई सेक्शन ही अगर खराब है तो आपके पीसीबी कंट्रोल के ऊपर कोई काम होता नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर ये छोटी छोटी से डिवाइस है, डायोड टाइप डिवाइस जो रेक्टिफायर ब्रिज में होते हैं, वो भी अगर आपको चेक करने के लिए अगर उसका तरीका आपको पता चल जाए तो आप कम से कम ये पावर सप्लाई सेक्शन जो है वो कभी भी उसको रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि डायोड एक छोटी मोटी चीज, मतलब एक अगर आप पहले तो बहुत ही सस्ता था, अभी तो मतलब 5 या 10 रुपए में एक डायोड आ जाता है। तो अगर आपको उसको चेक करने का तरीका पता है तो पावर सप्लाई के सेक्शन में जाके डायोड को चेंज करके आप इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट है उसको ऑपरेट करने के लिए जो सबसे अहम भूमिका होती है है, वो आपके पावर सप्लाई के सेक्शन की होती है। और पावर सप्लाई सेक्शन में सभी सर्किट में आपको डायोड मिलेंगे। तो अगर आप डायोड चेक कर सकते हो, अगर डायोड में कुछ फेलियर्स है तो डायोड चेंज करके आप अपने इक्विपमेंट को शुरुआत कर सकते हो, आप आपके इक्विपमेंट को रिपेयर कर सकते हो।
तो ये छोटा कंपोनेंट डिवाइस वाला जो चेकिंग जो टेस्टिंग इसके बारे में जो मेजरमेंट्स ये आप थोड़ा समझ लो ताकि आपको इसका जो है ना अगर नॉलेज है तो इट विल बूस्ट कॉन्फिडेंस इन योर रिपेयरिंग स्किल. तो ये अगर आता है तो आप यू कैन डू वेरी वेल. आई एम होप सो. ओके बालाजी यू कैन कंटिन्यू. हाँ योगेश जी वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन राइट. हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है आप देख रहे हैं इसके ऊपर आप एक डिस्प्ले है इसके ऊपर एक नॉब है इसके ऊपर एक ऑन ऑफ स्विच है यहाँ एसी और डीसी का एक सिलेक्टर स्विच दिया है उसके बाद देखेंगे कि आप इसके ऊपर रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं 400 ओम से लेकर 20 मेगा ओम तक. दूसरा है यहाँ जो सॉकेट है यहाँ हम डीसी कैपेसिटर चेक कर सकते हैं 2 नैनो माइक्रोफैरड टू 20 माइक्रोफैरड इस रेंज तक आप सब कैपेसिटर चेक कर सकते हैं. दूसरा जो है यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रहते हैं ट्रांजिस्टर उसके कंपोनेंट ट्रांजिस्टर को हम चेक कर सकते हैं. उसके बाद हम एसी और डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं इसकी रेंज है 200 मिली वोल्ट टू 1000 वोल्ट ठीक है. यहाँ हम डीसी करंट चेक कर सकते हैं और एसी करंट चेक कर सकते हैं उसका रेंज है 20 माइक्रो एम्प टू 20 एम्पीयर ठीक है. हम यहाँ डीसी वोल्टेज बैटरी वोल्टेज चेक कर सकते हैं. अभी हम उसके साथ दो बातें इसमें तीन सॉकेट दिए हैं यहाँ हम करंट चेक कर सकते हैं. दूसरा जो है ये कॉमन है यहाँ में हम ब्लैक टर्मिनल लगाएंगे. दूसरी जो है यहाँ हम वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं. तो हम पहले हम वोल्टेज और करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस कैसे चेक कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे. तो ये जो लास्ट वो है ये हम इस सॉकेट में कनेक्ट करेंगे. इसके बाद हम एसी वोल्टेज चेक करेंगे. एसी वोल्टेज के लिए हम ये जो नॉब है अगर समझो आपने डीसी पे रखी है और आप एसी वोल्टेज चेक करेंगे तो आपका मल्टीमीटर खराब हो जाएगा. तो पहले हम इसे एसी पे ऑन करेंगे और ये स्विच ऑन करेंगे. स्विच ऑन करने के बाद यहाँ हम एसी वोल्टेज चेक करेंगे. हमारा जो एसी वोल्टेज है 256 वोल्ट एसी दिखाई देगा ठीक है. ये हमारा एसी वोल्टेज हो गया. अगर आपको डीसी वोल्टेज चेक करनी है जैसे यहाँ जो बैटरी है ये जनरल पर्पज बैटरी है इसका वोल्टेज है 9 वोल्ट तो इसका वोल्टेज चेक करने के लिए हम उसको डीसी रेंज पे रखेंगे और ये जो नॉब है ये 20 वोल्ट पे रखेंगे. उसके बाद हम इसके टर्मिनल है ये जो लाल वाला है ये पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे
और ब्लैक वाला जो है वो निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेगा। अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो वोल्टेज है ये 9.8 वोल्ट है डीसी वोल्ट। अगर आप इसको डीसी पे रखेंगे तो आपको एसी वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो स्विच है वो सही तरीके से सेट किया है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे रेजिस्टर का वैल्यू। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है रेजिस्टर। अभी हमें रेजिस्टर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सिलेक्टर स्विच है, ये सिलेक्टर स्विच हम 200 ओम के रेंज पे रखेंगे। उसके बाद हम ये जो टर्मिनल है इसके अक्रॉस रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे। अभी इसका रेजिस्टर का वैल्यू कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो हम इसका जो रेंज है वो बढ़ाएंगे। अभी देख सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टर है ये 2.17 किलो ओम। अभी हमने उसे 20 किलो ओम के ऊपर सेट किया है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो अगर समझो आपको रेजिस्टर का वैल्यू नहीं मिल रहा तो आपका जो ये सिलेक्टर स्विच है ये उसके अक्रॉस ऊपर ज्यादा रेंज के ऊपर रखना जरूरी है। तो यहाँ आपको रेजिस्टर की वैल्यू पता चल गई, जैसे है ये 2.15 किलो ओम। उसके बाद हम चेक करेंगे फ्यूज, चेक करने के लिए हम ये जो सिलेक्टर स्विच है ये कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे। कंटिन्यूटी मोड पे रखने के बाद अभी ये टर्मिनल ओपन है। अभी इसकी जो अभी हमें फ्यूज चेक करने का है, तो फ्यूज चेक करते समय हम मल्टीमीटर के इस नॉब को कंटिन्यूटी मोड पर रखेंगे। अभी हमारा जो टर्मिनल्स है ये ओपन है तो यहाँ 1 दिखाई देगा। जब हम इसे टेस्टर इस फ्यूज को कनेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर 0000 वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो फ्यूज है इसमें कंटिन्यूटी बन रही है, यानी उसमें कंडक्शन हो रहा है, कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है, तो हमारा जो फ्यूज है वो ठीक है। अगर समझो आपने आपका फ्यूज समझो खराब हो गया और आपने इसका कंटिन्यूटी चेक किया, अगर आपको कुछ भी वैल्यू नहीं मिल रही, 1 दिखाई दे रहा है, तो आपका जो फ्यूज है ये ओपन हो गया। उसी तरह हम ये एमसीबी चेक करेंगे। कभी कभी क्या होता है हमारा एमसीबी खराब हो जाता है, उसमें अगर समझो आपको कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपका एमसीबी खराब हो गया है। अगर आपका एमसीबी कंटिन्यूटी दिखाई दे रहा है तो आपका एमसीबी ठीक है। दूसरी बात, हम इसके ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है एसी कैपेसिटर और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ये भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक नॉब को रेजिस्टर के हायर मोड पे रखना है और इसके टर्मिनल के अक्रॉस कैपेसिटर कनेक्ट करने हैं। जैसे हम कनेक्ट करेंगे इसके अंदर एक वैल्यू दिखाई देगी। अगर समझो आपका कैपेसिटर ओपन हो गया तो इसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं दिखाई देगी और आपका जो कैपेसिटर है ओपन हो गया। अगर आपने कैपेसिटर लगाने के बाद समझो कंटिन्यूटी आ रही है 0000 तो आपका कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। दूसरी बात है, अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है डायोड, ये डायोड कैसे चेक कर सकते हैं? तो डायोड चेक करने के लिए हम पहले इस नॉब को डायोड के रेंज पे रखेंगे और इसका जो एक
बैक टर्मिनल है वो कैथोड को कनेक्ट करेंगे और लाल वाला टर्मिनल जो है एनोड को कनेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि इसके अक्रॉस जो रेजिस्टर मिल रहा है उसको फॉरवर्ड बायस रेजिस्टर बोलते हैं, उसका वैल्यू यहाँ हमें मिल रहा है 674। अगर समझो आपका रेजिस्टर का वैल्यू कुछ आपका डायोड का वैल्यू नहीं मिल रहा, समझो ऐसे ओपन दिखाई दे रहा है तो आपका डायोड ओपन हो गया। समझो अगर आपका रेजिस्टर शॉर्ट हो गया, डायोड शॉर्ट हो गया और आपको 00 वैल्यू दिखाई दे रही है तो आपका डायोड शॉर्ट हो गया। दूसरी बात है हम ये एलईडी चेक कर सकते हैं यहाँ डायोड के ऊपर, इसमें एक एनोड और कैथोड रहते हैं। जैसे मैं एनोड और कैथोड को कनेक्ट करूंगा तो इसका लाइट ग्लो हो जाएगा तो ये डायोड ठीक है, यानी इसका ये फंक्शन में आ रहा है। जैसे हमने देखा इस डायोड में हमें सिर्फ होल्ड इसके ऊपर रेजिस्टर मिलेगा, एलईडी के ऊपर हम इसका लाइट मिलेगा तो हम देख सकते हैं कि इसका ये डायोड ठीक। दूसरी बार हम इसका इस बैटरी का डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं और डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए हम इसको डीसी रेंज पे रखेंगे। अभी इसका वोल्टेज हमने चेक किया, अभी हमें इसका करंट चेक करने का है तो हम इसके एक टर्मिनल को 20 एम्पीयर के सॉकेट में कनेक्ट करेंगे और ये सिलेक्टर स्विच है ये इसको इसे हम एम्पीयर डीसी एम्पीयर के रेंज पे सिलेक्ट करेंगे। अभी इसका जो वैल्यू दिखाई दे रहा है 6.5 ये मिली एम्पीयर में इसका एम्पीयर दिखाई दे रहा है। अगर समझो आपको ज्यादा करंट चेक करने का है तो इसे आप 20 एम्पीयर तक इस मल्टीमीटर पे करंट चेक माप सकते हैं। इसके ऊपर हम एसी करंट और डीसी करंट दोनों माप सकते हैं। इस मल्टीमीटर से हम ट्रांजिस्टर कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कैपेसिटर चेक करने का है तो आप इसको कैपेसिटर के मोड पे सिलेक्ट करके ये जो कैपेसिटर है ये इस सॉकेट में हम डाल के चेक कर सकते हैं। हाँ सर, नहीं पुराने वाले नहीं, ये सीधे वो ये जो वाले हैं ना इनके जो पहले वाले विकास जी कहना है शो द नेक्स्ट वीडियो ना नेक्स्ट वीडियो प्लीज। या इवन मैटर का लो वीडियो म्यूट कर दो भाई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईएलआर और डीएफ के अलग अलग कंपोनेंट्स को किस तरह से चेक और टेस्ट किया जाता है। शुरुआत करते हैं ओवरलोड प्रोटेक्टर से। ये एक ओवरलोड प्रोटेक्टर है। ओवरलोड प्रोटेक्टर दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये एक एक्सटर्नल ओवरलोड प्रोटेक्टर है। ओवरलोड प्रोटेक्टर को मल्टीमीटर या फिर पावर टेस्ट लैंप की सहायता से टेस्ट किया जा सकता है। आइए पहले इसे मल्टीमीटर द्वारा टेस्ट करें। सबसे पहले मल्टीमीटर की रेंज कंटिन्यूटी पर सेट कर लें और उसके बाद इस प्रकार कंटिन्यूटी चेक करें। प्रोटेक्टर में कंटिन्यूटी मौजूद है। अब पावर टेस्ट के द्वारा टेस्ट करते हैं।
लैंप के जलने का मतलब है कि प्रोटेक्टर में कंटिन्यूटी मौजूद है। ये एक रिले है जिसको स्टार्टिंग डिवाइस भी कहा जाता है। स्टार्टिंग रिले का काम स्टार्टअप के समय इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को स्टार्ट वाइंडिंग में भेजने का है। स्टार्टिंग रिले दो प्रकार के होते हैं, LMS रिले को टेस्ट कर। यस, इस वीडियो में अभी एक्चुअली जो वीडियो का जो टाइटल आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे लिखा है कि टेस्टिंग ऑफ वेरियस कंपोनेंट। तो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ये जो सारे हम जो चेक्स करते हैं इक्विपमेंट के लिए, तो हमें कौन से कंपोनेंट्स को चेक करना पड़ता है ये लिस्ट हमें पहले पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे कि आपको पता है कि हमारे जो स्पेयर पार्ट्स है वो होते हैं आपके रिले, आपका थर्मोस्टैट, कैपेसिटर, ओवरऑल प्रोटेक्टर। तो इन चीजों को अगर ये खराब हो जाते हैं तो आपका इक्विपमेंट काम करता नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें इसको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करने से पहले हम इसको क्यों रिप्लेस कर रहे हैं ये हमें हेलो बाबू जी, मैं ऑडिबल तो हमें एक्चुअली मतलब इसका क्या है कि एक तो ये सारे स्पेयर पार्ट हमें पता होने चाहिए कि हमें किस किस स्पेयर पार्ट, हमें कौन से स्पेयर पार्ट हमारे इक्विपमेंट के रिपेयरिंग के लिए लगते हैं, उसमें भी कौन से फास्ट मूविंग है कौन से स्लो मूविंग है। तो अभी अगर हम फास्ट मूविंग की बात करते हैं तो फास्ट मूविंग में ये रिले, आपका कैपेसिटर, ओवरऑल प्रोटेक्टर और थर्मोस्टेट अगर वो डिजिटल है तो मैकेनिकल थर्मोस्टेट रेयरली फेल होता है, बट अगर डिजिटल है तो अभी उसका जो फेलियर रेट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम इसको रिप्लेस करना है तो पहले तो डायग्नोस करना पड़ेगा कि ये फॉल्टी है, और अगर फॉल्टी है अगर आपको डायग्नोस करना है तो उससे पहले हम कैसे टेस्ट करना है वो हमें उसको देखना है। और दूसरी बात, इस एक्चुअली वो उस पर्टिकुलर जो आपका कॉम्पोनेंट है, पर्टिकुलर जो आपकी ये एक्सेसरी है, उसका इस सर्किट में क्या यूज है। जैसे अभी पहले फ्रेम में हमने बताया कि उसमें ओवरलोड प्रोटेक्टर है, तो अभी इसकी क्या जरूरत है आपकी मशीन में या इस सर्किट में हम उसको क्यों लगाते हैं। देखो अगर हम डायरेक्टली भी अगर सप्लाई दे देंगे इक्विपमेंट को तो वो चालू हो जाएगा, बट हम कुछ कंट्रोल्स डालते हैं। तो ये प्रोटेक्टर अगर है दैट इज अ सेफ्टी कंट्रोल, ये आपका सेफ्टी कंट्रोल है, इसको समझ लो, ठीक है। क्यों कि अगर समझो आपका कॉम्प्रेसर किसी भी वजह से अगर आपका हाई करंट लेता है, मतलब अगर वो ओवरलोड हो गया, ओवरलोड होने की वजह से उसने अगर हाई करंट ले लिया, तो वो आपका जो OLP है, ओवरलोड प्रोटेक्टर उसको बोलते हैं, तो वो आपका करंट बढ़ने की वजह से आपका जो सप्लाई जाता है कंप्रेसर को उसको टेम्पररली डिस्कनेक्ट कर देगा। बट एक बार वो फिर से उसका जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है वो गर्म हो जाता है करंट अगर ज्यादा जाने से, तो बेंड होने के बाद आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है, और फिर से एक बार वो ठंडा होने के बाद वो फिर से कॉन्टेक्ट उसको मेकअप कर देगा और फिर से आपके सर्किट की आपकी कंट्रोल मिल जाएगी। तो आपको बाहर निकाल के कोल्ड चेक में ये चेक करना है कि आपका जो ये ओवरऑल प्रोटेक्टर है वो कंटिन्यूटी बता रहा है, मतलब वो कंटिन्यूटी उसके में है। अगर वो कंटिन्यूसली ओपन हो गया तो आपका सर्किट हमेशा ब्रेक रहेगा। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें अगर हमें चेक करना है तो उसको किस तरह से चेक करना है, उसका फंक्शन मतलब उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन आप सब समझ गए होंगे कि इसमें क्या है कि अगर आपके कॉम्प्रेसर में किसी वजह से भी हाई करंट ले लिया जाता है, अगर वो हाई करंट ड्रॉ करता है वो किस किस केस में होगा कि अगर वो ओवरलोड हो गया तो उस केस में वो हाई करंट लेगा, अगर वो स्टार्टिंग वाइंडिंग कट नहीं हो रही मशीन की तो उस केस में वो हाई करंट लेगा, है ना। अगर समझो कैपेसिटर भी अगर आपका खराब है तो भी वो हाई करंट लेता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वाइंडिंग सर्किट में होने की वजह से कैपेसिटर अगर खराब हो रहा है या फिर आपका ओवरलोड हो रहा है तो इन चीजों की वजह से कॉम्प्रेसर के हाई करंट लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कॉम्प्रेसर फॉल्टी ना हो, कॉम्प्रेसर को प्रोटेक्शन करने के लिए हमने सर्किट में जो है ओवरलोड उसको लगाया जाता है, और फिर अगर उसको चेक करना है तो उसको आपको कंटिन्यूटी से चेक करना पड़ता है। दूसरा उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल ओवरलोड, तो वो एक्सटर्नल ओवरलोड जो है वो आपका ये करंट के ऊपर काम करता है, वो अगर हाई करंट लेता है तो वो ट्रिप कर देगा, और जो इंटरनल वाला ओवरलोड है वो कंप्रेसर के अंदर डोम में रहेगा, वो कंप्रेसर का टेम्परेचर वो सेंस करके आपका सर्किट वो जो है ब्रेक कर देता है, क्योंकि कंप्रेसर किसी वजह से हीटअप हो गया, गर्म हो गया, तो वो इंटरनल ओवरलोड जो है उसको
डिस्क्रेडिट कर देगा आपका पावर सप्लाई और आपको कॉम्प्रेसर को सप्लाई जाएगा नहीं। तो दोनों केस में पर्पज एक ही है कि कॉम्प्रेसर को प्रोटेक्ट करना, एक तो ओवर लोडिंग की वजह से और ओवर हिट होने की वजह से। तो इंटरनल ओवरलोड जो है वो जनरली आपके कॉम्प्रेसर के टेम्परेचर को रिलेट करता है, और जो एक्सटर्नल ओवरलोड आपका है वो आपके कॉम्प्रेसर का जो करंट जो लेता है कॉम्प्रेसर उसको उसको एक्चुअली उसके इंटेंसिटी के ऊपर, मतलब वो हाई करंट है सर्ज करंट है उसको देख के आपके कॉम्प्रेसर का पावर सप्लाई जो है डिस्कनेक्ट कर देता है। तो ये दो चीज आप कॉम्प्रेसर के ओवरलोड के लिए बिल्कुल याद रखो, ठीक है। और चेक जो करना है आपको दैट इज विद द कंटिन्यूटी। बागा जी यू कैन कंटिन्यू फॉर द रिले। में आने वाली बजर की आवाज कॉइल में कंटिन्यूटी होने का संकेत देती है। ये नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट रिले होता है। रिले जब अपवर्ड पोजीशन में हो तो मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। आइए अब रिले की अपसाइड डाउन पोजीशन में नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट चेक करते हैं। इस पोजीशन में मल्टीमीटर कंटिन्यूटी दिखा रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये रिले ठीक काम कर रहा है। इसी तरह से रिले को सीरीज पावर्ड टेस्ट लैंप से भी चेक किया जा सकता है। बल्ब का जलना रिले में कंटिन्यूटी कंफर्म करता है। अगर कॉइल्स जली हुई हैं, तो रिले को बदल देना चाहिए। आइए अब हम पीटीसी रिले टेस्ट करते हैं। पीटीसी रिले को भी मल्टीमीटर और पावर्ड टेस्ट लैंप के द्वारा चेक किया जा सकता है। इस रिले को चेक करने से पहले हिलाकर देख लें, अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। रिले को मल्टीमीटर से चेक करने के लिए पहले मल्टीमीटर में सही रेंज सेलेक्ट कर लें। कंटिन्यूटी टेस्ट करके मेन वाइंडिंग और स्टार्ट वाइंडिंग के बीच का रेजिस्टेंस माप लें। आइए अब सीरीज टेस्ट लैंप का प्रयोग करके पीटीसी मटेरियल का हीटिंग इफेक्ट चेक करते हैं। मल्टीमीटर की प्रोब्स को एम और एस टर्मिनल में डालें। लैंप थोड़ी देर के लिए जलता है और बाद में अपने आप ही बंद हो जाता है। यह दिखाता है कि पीटीसी मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ गया है। यह एक कैपेसिटर है जिसका काम मोटर या कंप्रेसर को स्टार्ट करना होता है। कैपेसिटर के डिफेक्टिव होने से हाँ, तो अभी जो सेकंड जो फ्रेम है दैट वाज फॉर द रिले, तो आपने उसमें देखा होगा कि दो टाइप के रिले वहां पे बताए गए आपको। एक तो एक है कि आपका LMS रिले है, दूसरा जो है आपका PTC रिले है। तो LMS रिले जो है वो करंट ऑपरेटेड रिले है आपका, जो आपने देखा होगा। तो उसमें क्या है कि एक दोनों रिले का पर्पज एक ही है कि आपके कॉम्प्रेसर की जो स्टार्ट वाइंडिंग है, मतलब कॉम्प्रेसर शुरू होने के बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए स्टार्ट वाइंडिंग आपके सर्किट में रहती है। ये इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपकी रनिंग वाइंडिंग भी सर्किट में चाहिए, आपकी स्टार्ट वाइंडिंग भी सर्किट में चाहिए। तो ये करने का कार्य जो है वो आपका रिले करता है। तो स्टार्टिंग में जब आप सप्लाई दोगे तो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सर्किट में रहती है, ठीक है। और जैसे ही आपके कॉम्प्रेसर के मोटर का स्पीड एक सर्टन लेवल तक पहुंच जाता है, दैट विल बी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बहुत तुरंत उसका स्पीड पकड़ लेता है वो, ठीक है। तो तुरंत वो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए इस रिले का इस्तेमाल होता है। और इस रिले में ऑपरेटिंग जो उसका प्रिंसिपल है, एक आपका करंट ऑपरेटेड रिले जो होता है जिसमें वाइंडिंग होती है प्लंजर ऑपरेटेड, वो एक है, और सेकंड आपका है वो पीटीसी जो का सॉलिड स्टेट रिले है। तो पीटीसी रिले में क्या होता है कि काम उसका वही है स्टार्टिंग वाइंडिंग को कट करना। तो वो पीटीसी रिले का जो रेजिस्टेंस वाला जो टर्मिनल है, जो सेकंड उसका आउटपुट, वो आपके स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर जाता है। जैसे ही स्टार्टिंग में करंट हाई होने के बाद आपका वो जो अंदर की जो हीटिंग जो डिस्क होती है वो गर्म होने के बाद उसका रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जैसे करंट जाएगा वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपका उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से बाद में वो अपने आप ही आपकी उस स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट में से डिस्कनेक्ट कर देगा, और जो नीचे वाला जो उसका सेकंड टर्मिनल है वहां से आपका सप्लाई कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये है आपका पीटीसी का। और पीटीसी को चेक करने के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग मल्टीमीटर, जो सीरीज टेस्ट लैंप दिखाया गया है वो सबसे सही तरीका है, ताकि आपको ये पता चले कि स्टार्टिंग में आपका करंट मतलब बल्ब जल गया है और थोड़ी देर के बाद वो आपका बल्ब जो है वो बुझ रहा है। इसका मतलब ये है कि सेम सर्किट, आप यू ट्रीट दिस लाइट एज अ कॉम्प्रेसर,
बिल्कुल कॉम्प्रेसर की वाइंडिंग उसी सर्किट में आप ले लो कि जैसे वो बल्ब बुझ जाता है उसी तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है। दूसरा जो आपका एलएमएस रिले है उसमें क्या है कि उसमें आपने वो देखा होगा कि छोटी सी रिले की एक वाइंडिंग होती है, तो वहां से आपका जो करंट है कॉम्प्रेसर का वहां से ही फ्लो होता है। स्टार्टिंग में करंट हाई होने की वजह से वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद आपका जो प्लंजर है वो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होके उसके कॉन्टैक्ट मेक होते हैं। जैसे ही कॉम्प्रेसर का स्पीड बढ़ जाता है आपके कॉम्प्रेसर का करंट जो ड्रॉ कर रहा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका वीक हो जाता है और आपका जो ये प्लंजर है वो फिर से नीचे गिर जाता है और फिर आपकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो सर्किट से डिस्कनेक्ट होती है। तो दोनों का पर्पज एक ही है बट प्रिंसिपल सिर्फ ऑपरेट होने का वो अलग है। तो जब हम एलएमएस को चेक करते हैं तो हमें वो अपवर्ड और डाउनवर्ड ये दोनों पोजिशन में चेक करना पड़ता है, बट फिर भी एक बार ये भी आपको देखना पड़ता है कि वो प्लंजर जो है उसकी मूवमेंट बिल्कुल एकदम क्लियर है, बिल्कुल साफ है, कहीं वो अटक नहीं रहा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वो स्टकअप अगर हो गया तो स्टकअप होने की वजह से स्टार्टिंग वाइंडिंग आपके सर्किट में रहेगी, कॉम्प्रेसर कंटिन्यूअसली हाई करंट ड्रॉ करेगा और बाद में अगर ओवरऑल अच्छा है तो वो उसको ट्रिप कर देगा। बट बार बार ऐसे होने की वजह से कॉम्प्रेसर वाइंडिंग अगर बार बार आपकी हीटअप हो रही है तो फिर कॉम्प्रेसर की वाइंडिंग की लाइफ के ऊपर भी उसका बहुत असर पड़ता है। तो हमें हमेशा इस तरह से देखना चाहिए कि हमारा रिले वर्किंग कंडीशन में है, हमारा रिले का जो प्लंजर वो सही तरह से काम कर रहा है, वो स्टकअप नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कॉम्प्रेसर शुरू होता है फिर से बंद होता है, शुरू होता है फिर से बंद होता है, तो कभी कभी क्या होता है वो कॉन्टैक्ट छोड़ देता है, प्लंजर जो है वो वाइब्रेट करता है। तो ये स्टकिंग पोजिशन जो है वो हमें ये मैकेनिकल मूवमेंट होने की वजह से हमेशा उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो नाउ नेक्स्ट विल सी द मोटर कैपेसिटर। बागल जी, यू कैन कंटिन्यू विद द कैपेसिटर। स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स हो स्टार्ट कैपेसिटर को एम्प मीटर, मल्टीमीटर, पावर टेस्ट लैंप या फिर रेटेड मेंस वोल्टेज के इस्तेमाल से टेस्ट जा सकता है। आइए पहले इसे क्लैंप मीटर द्वारा टेस्ट करते हैं। सही रेंज चुनें। रीडिंग दिख रही है कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अगर हम प्रोब्स को बदल कर लगाएं तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा। ये दिखा है कि कैपेसिटर ठीक तरह से काम कर रहा है। आइए अब कैपेसिटर को पावर्ड टेस्ट लैंप द्वारा टेस्ट करें। पावर टेस्ट लैंप को पावर सप्लाई में लगाएं। पावर टेस्ट लैंप के प्रोब्स को कैपेसिटर कनेक्शंस पर लगाएं। लैंप जल रहा है जो दिखाता है कि कैपेसिटर ठीक तरह से काम कर रहा है। आइए अब कैपेसिटर को रेटेड मेंस वोल्टेज द्वारा टेस्ट करें। अगर कैपेसिटर की लीड्स को शॉर्ट सर्किट करने से स्पार्क निकलता है तो कैपेसिटर ठीक तरह से काम कर रहा है। बागल जी, यू कैन स्टॉप हियर। आइए अब थर्मोस्टैट को टेस्ट करते हैं। थर्मोस्टैट रेफ्रिजरेशन सिस्टम के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। थर्मोस्टैट दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल थर्मोस्टैट और सॉलिड स्टेट। इसमें जो बताया गया है रिगार्डिंग द कैपेसिटर, तो हमारे जो कंप्रेसर का जो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें कैपेसिटर के लिए इसका कैपेसिटर की एक बहुत ही अहम भूमिका है। अगर वो सर्किट आपका कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन का होता है तो ठीक है, वो इस तरह से कि जब आप कंप्रेसर को स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग वाइंडिंग जब सर्किट में आती है तो बहुत बार क्या होता है कि आपकी जो मोटर की जो कंप्रेसर के अंदर जो मोटर है उसका जो इनर्शिया है वो थोड़ा सा हेवी होता है, तो उसको आपको एक साइड में उसको ये कहो कि आपको पुश करना पड़ता है, आपको धक्का लगाना पड़ता है। तो आप ये समझ लो कि इस कैपेसिटर का काम सिर्फ आपके मोटर का स्पीड मतलब एक जिस डायरेक्शन में उसको घुमाना है उस डायरेक्शन में उसको धक्का लगाना होता है। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो कहा जाता है उसको फेज शिफ्ट कहते हैं। फेज शिफ्टिंग के लिए आपका कैपेसिटर यूज किया जाता है, और फेज शिफ्ट होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो मोटर है वो एक डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट होती है। तो एक डायरेक्शन में घूमने के लिए जिस पुश की जरूरत है, जिस धक्के की जरूरत है, वो आपका ये जो पुश करने का काम है वो आपका कैपेसिटर करता है। तो जो भी आपके कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है उसमें कैपेसिटर की बहुत अहम भूमिका होती है। दूसरी जो मोटर्स आती है आपके परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर, उसमें आपको कैपेसिटर को हमेशा सर्किट में रखना पड़ता है। जैसे कि आपके सीलिंग फैन मोटर्स वगैरह होते हैं उसमें क्या है कि आपकी जो है वो पीएससी मोटर्स होते हैं, बट हमारे केस में
बहुत सारी जगह मतलब सभी लगभग अब सभी इक्विपमेंट्स में हमारे जो सर्किट्स है वो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन होते हैं। आपके अगर आप एयर कंडीशनर की बात करोगे तो उसमें दोनों टाइप्स की कैपेसिटर होते हैं, मतलब स्टार्टिंग भी होता है और रनिंग भी होता है। तो हमारे केस में हम स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज करते हैं। अभी अगर आपको कैपेसिटर को चेक करना है तो व्हाट यू विल चेक, आपको चेक कैसे करना है उसको, तो कैपेसिटर का जनरली फंक्शन ये है कि चार्ज मींस टू होल्ड द इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड टू डिस्चार्ज। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग फंक्शन जैसे उन्होंने बताया कि वो किस तरह से चेक करना है वो आप उस तरह से कर सकते हो कि मतलब कैसे है कि अगर आपने मल्टीमीटर उसको लगाया है तो पहले वो निडल बिल्कुल लास्ट तक जाएगा और स्लोली फिर बैकवर्ड आ जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज्ड एंड स्लोली गेटिंग डिस्चार्ज, मतलब आपका कॉम्प्रेसर आपका जो कैपेसिटर वो काम कर रहा है। अगर आपकी निडल आगे जाके वहीं पर स्टक हो गई इसका मतलब है कि कैपेसिटर आपका खराब है। अगर आपका निडल आगे गया ही नहीं तो भी कैपेसिटर खराब है। जब आप मेंस के ऊपर डायरेक्टली चेक करते हो तो कैपेसिटर को आप चार्ज करते हो और चार्ज के करने बाद तुरंत डिस्चार्ज करते हो। तो ये जो दोनों केस में आप करते हो कि कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रॉपर है, अगर वो ठीक है तो आपको कैपेसिटर बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल पहले वीडियो में ये बताया गया था कि जब आप रिले चेंज करोगे तो उसके साथ जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम कैपेसिटर चेंज करते जाओ। अगर आपको पता है कि इसको रिसेंटली चेंज किया है, बिल्कुल दो दिन पहले चेंज किया है, महीना भर पहले चेंज किया है, तो जरूरत नहीं है। बट अगर कैपेसिटर पुराना है तो ये एक रिकमेंडेशन होता है कि जब आप रिले चेंज करोगे तो कैपेसिटर भी चेंज करो, क्योंकि ऐसा है कि बहुत दिनों के बाद कैपेसिटर यूज करने के बाद वो थोड़ा सा उसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो है उसका वो वीक हो जाता है। तो अगर कैपेसिटर अगर आपका वीक हो गया तो कॉम्प्रेसर हाई करंट ड्रॉ करता है, और अगर हाई करंट ड्रॉ करता है तो बहुत बार क्या है कि रिले की वाइंडिंग आपकी जलने के चांसेस होते हैं। तो बेटर आप उसके साथ रिले अगर चेंज करते हो तो रिले के साथ में आप कैपेसिटर भी चेंज करना, इट इज वेल रिकमेंडेड, ताकि रिले से उतना ही करंट फ्लो करे जितना उसके लिए डिजाइन किया गया है। तो रिले को बचाने के लिए भी हमें कैपेसिटर जो है उसको चेंज करना पड़ता है। तो ये हमें कैपेसिटर के बारे में बिल्कुल ख्याल रखना है, उसमें ध्यान रखना है। भगत जी, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट थर्मोस्टेट। हेलो, हाँ भगत जी,
अरे विकास तो बोलो ना। हेलो बागल जी, हेलो हेलो योगेश जी। यस यस यस। हाँ, देयर इज सम नेटवर्क इशू हमारे एंड पे। ओके ओके ओके, नो इशू। ओके तो ठीक है, मैं उसी वीडियो का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। शेयर करना है एक बार। योगेश जी, यू कैन कंटिन्यू, थोड़ा इशू है ही। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी सब लोग वैसे काफी इसमें हैबिटेटेड है, तो सब जानते भी है। जस्ट अभी जो जो क्लिप जो बताया जा रहा था अभी, जो जहां पर वीडियो स्टॉप हो गया था, वो रिगार्डिंग आपके थर्मोस्टेट के लिए रिगार्डिंग थी। तो उसमें ये है कि आपको थर्मोस्टेट को अगर चेक करना है तो आप किस तरह से चेक करोगे। तो जैसे पहले कहा था कि थर्मोस्टैट मतलब ये खराब है या फिर ये खराब हो सकता है, तो ये आप किस तरह से डायग्नोस करोगे, कैसे करोगे इसको डायग्नोस? तो उसके कुछ रीजंस, कुछ सिम्टम्स, मतलब जैसे कि आपको लगता है कि द इक्विपमेंट इज नॉट कूल इनफ, कि इक्विपमेंट ज्यादा ठंडा नहीं हो रहा है, ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। या फिर कुछ अगर आपने सेटिंग किया है 4 डिग्री के ऊपर, बट इक्विपमेंट का जो टेम्परेचर है वो 0 के नीचे जा रहा है, उस तरह से है, मतलब अनयूजुअली जिसको कोल्ड बोलते हैं, अनयूजुअली कोल्ड जिसको बोलते हैं। या फिर आपके रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर में बहुत सारा फ्लक्चुएशन है, कि कभी वो 4 डिग्री पे कट हो रहा है, कभी 7 डिग्री पे कट हो रहा है, कभी वो 0 की तरफ जा रहा है ना। तो इस तरह के जो कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो ये दर्शाते हैं कि कहीं पर तो हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोलर है वो मिसमैच कर रहा है, टेम्परेचर कंट्रोलर हमारा सही काम नहीं कर रहा है। तो टेम्परेचर कंट्रोलर मीन्स थर्मोस्टैट, क्योंकि जैसे कहा कि हम इक्विपमेंट को अगर ऑन करना चाहे या ऑफ करना चाहे, तो आप इसको मैन्युअली तो बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। बट हमें क्या करना है कि हमें एक सर्टन लेवल पर हमें टेम्परेचर को उस कंपार्टमेंट में लाना है, ठीक है। अगर आपने कंपार्टमेंट का टेम्परेचर आपने 5 डिग्री सेट किया है, तो आपके ये एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि 5 डिग्री पे आने के बाद मेरा जो कंप्रेसर है वो ऑफ होना चाहिए। तो ये काम कौन करेगा? आपका थर्मोस्टैट। तो थर्मोस्टैट का सेटिंग इट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपका मैकेनिकल थर्मोस्टैट है, तो वहां पे आपको एक नॉब आता है, उसके ऊपर से आप उसको सेलेक्ट करते हो, और वहां पे वो जाके आप उसको सेटिंग कर देते हो,
तो वो एज अ सिंपल स्विच वो अंदर की तरफ का जो टेम्परेचर जहां पे उसका थर्मोस्टेट का सेंसर लगा है उसको टेम्परेचर को सेंस करके आपके यहाँ पे वो जो अंदर का इस मैकेनिकल थर्मोस्टेट के लिए जो वर्किंग प्रिंसिपल बॉर्डर ट्यूब वाला है उसके ऑपरेशन के साथ में वो उसके कॉन्टैक्ट्स को मेक एंड ब्रेक करता है। ये आपके मैकेनिकल थर्मोस्टेट के बारे में हो गया। तो इसको चेक करने के लिए भी आपको अगर आपको आपने उसको बाहर निकाला है तो उसके सेंसर को आपको आइस क्यूब में या फिर ठंडे पानी में डुबाना पड़ेगा, वो सेटिंग करना पड़ेगा। आप जानते हो कि बर्फ का टेम्परेचर मतलब पानी जहां पे बर्फ होता है 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पे आप उसको सेट कर सकते हो। जब आपने थर्मोस्टेट ऑन किया है और उसके कॉन्टेक्ट के सीरीज में आपको कोई लोड लगाना है ताकि आपको ये पता चले कि वो लोड ऑन ऑफ हो रहा है, तो थर्मोस्टेट का सेंसर जब वो टेम्परेचर सेंस करेगा तब आपका जो ये बल्ब लगाए जो आपको देख रहे हो आप स्क्रीन में ये ऑन ऑफ होगा। इसका मतलब है कि आपका थर्मोस्टेट बिल्कुल सही टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर सेंस कर रहा है और उसको कट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया टेम्परेचर सेंस करके कट करने वाला एक सीन। ठीक है, बट अभी आगे जाके ये भी हो सकता है कि वो सेंसर आपका गलत टेम्परेचर सेंस कर रहा है या फिर गलत टेम्परेचर पे कट इन कट ऑफ हो रहा है, बट वो देखने के लिए आपको किसी एक्यूरेट थर्मोस्टेट के साथ किसी एक्यूरेट मास्टर थर्मोस्टेट के साथ उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा कि आपका सेंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट सही उसी टेम्परेचर को सेंस कर रहा है या फिर उसी टेम्परेचर को कट इन और कट ऑफ कर रहा है इसको जानने के लिए। तो ये मैकेनिकल थर्मोस्टेट हो या फिर आपका जो डिजिटल थर्मोस्टेट है इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट उसका वो हो, दोनों को आपको चेक करने के लिए यही मेथड है। आपके सेंसर का जो फीडबैक है टेम्परेचर का वो एक्चुअली आपके सर्किट को आगे जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई मैकेनिकल मूवमेंट होती नहीं है, वहां पर सर्किट काम करेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक और बाद में वो आपके कंप्रेसर को ऑन ऑफ करेगा। यहाँ पर मैकेनिकल मूवमेंट है मैकेनिकल स्विच में, बट दोनों का अल्टीमेट आउटपुट एक ही है कि दोनों को भी कंप्रेसर का सप्लाई कट करना है। तो चेक करने के लिए आपको थर्मोस्टेट अगर आपने कोल्ड चेक किया आपने देखा इसका कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है, तो दैट मीन इट डजंट मीन कि ये खराब पूरा हो गया, तो आपको उसको देखना है एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है फिर उसको आप निकाल के देख सकते हो। बहुत बार क्या होता है कि अगर थर्मोस्टेट ओपन पोजिशन पे है स्विच नॉब जो उसने किसी ने ऑफ किया करके रखा हुआ है तो वो भी देखना बहुत जरूरी है। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट है इलेक्ट्रॉनिक अगर टेम्परेचर कंट्रोलर है तो उसका सेटिंग क्या किया है, जिसका कट इन कट ऑफ का सेटिंग जो हमको करना है उसी के ऊपर उसी पैरामीटर्स के ऊपर सेट किया गया है वो या कोई और पैरामीटर्स है। अगर किसी ने 5 डिग्री की जगह पे अगर 0 डिग्री गलती सेट किया है तो जनरली फिर क्या होगा कि 5 डिग्री पे कट होने की वजह है वो 0 डिग्री पे कट होगा फिर अंदर बर्फ जमा हो जाएगा। तो सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और जो सेंस कर रहा है थर्मोस्टेट का जो सेंसर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपका यहाँ पर जो सेंसर है मैकेनिकल थर्मोस्टेट के लिए वो अलग टाइप का है और दूसरा जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है वो भी अलग टाइप का है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके वो PTC सेंसर वो NT सेंसर आते हैं तो उसको भी चेक करने के लिए एक मेथड होता है। और जनरली अगर आपका प्रोब का प्रॉब्लम है या फिर प्रोब फेलियर का प्रॉब्लम आ रहा है तो कभी भी उसको जॉइंट मारना या फिर अलग कोई सेंसर लेके उसको चेंज करना वो बिल्कुल सही बात नहीं है। क्योंकि कैसे है कि उस सर्किट के लिए वो जो सेंसर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का उसके लिए वो कैलिब्रेशन किया होता है। तो हमें कभी कभी काम कर जाता है कोई सेंसर बाहर हम लोकल सेंसर भी लेके आते हैं उसको लगा देते हैं तो काम कर जाता है, बट टेम्परेचर वो कितना एक्यूरेटली सेंस कर रहा है टेम्परेचर की वैल्यू कितना एक्यूरेट है इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। काम तो कर रहा है बट व्हाट इज अबाउट द एक्यूरेसी व्हाट अबाउट द प्रिसीजन। तो ये चीजों के लिए हमेशा हमें वो सेंसर लेने चाहिए जो उसके लिए बिल्कुल कॉम्पेटेबल है और उसका जो स्पेसिफिकेशन उसको वो मैच कर रहा है। मतलब PT 100 है तो PT 100 ही लेना है, NTC है तो NTC ही लेना है, PT 1000 है तो PT 1000 ही लेना है। तो ये प्रॉपर्टीज हमें बिल्कुल देखनी है कि कौन सा सेंसर कहाँ पे लगेगा, तो ये हमें ध्यान में रखना है। और चेक करने के लिए बेस्ट वे टू हैव वन आइस क्यूब, पानी और बर्फ का मिक्सचर लीजिए उसमें सेंसर डाल दीजिए और आपका जो बल्ब है वो चालू बंद होता है कि वो देख लीजिए ताकि आपको थर्मोस्टेट के ऑपरेशन का पता चले। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बागजी, यू कैन कंटिन्यू नाउ। अभी भी शायद नेट का प्रॉब्लम है बागल जी। We'll be right back.
आइए अब कंप्रेसर टेस्ट करते हैं। ILR और DF में ज्यादातर रेसिप्रोकेटिंग और हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है। ये एक हर्मेटिकली सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। कंप्रेसर खराब होने के निम्न कारण हो सकते हैं: खराब वोल्टेज सप्लाई, सिस्टम में नमी, अधिक तापमान जो 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, ब्लॉक्ड कंडेंसर, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में खराबी, सही मेंटेनेंस न होने के कारण। आइए पहले कंप्रेसर पर इलेक्ट्रिकल चेक्स करते हैं। सबसे पहले हम कंप्रेसर का ग्राउंड टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कंप्रेसर में ग्राउंडिंग मौजूद है या नहीं। इन चेक्स के लिए आमतौर पर मल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी रेंज सेलेक्ट करें। कंप्रेसर बॉडी को सॉलिड ग्राउंडिंग या अर्थ कनेक्शन के लिए चेक करें। वाइंडिंग टर्मिनल्स पर ग्राउंडिंग चेक करें। वाइंडिंग टर्मिनल और कंप्रेसर बॉडी के बीच में कोई कंटिन्यूटी मौजूद नहीं है, जिसका मतलब है कि कंप्रेसर में ग्राउंडिंग नहीं है। बागल जी, हेलो। हाँ योगेश जी। हाँ, तो इस वीडियो के एंड में जो बताया जा रहा था रिगार्डिंग द वीडियो, आपका जो कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर मतलब कंप्रेसर यू कैन से इट इज अ लास्ट डायग्नोसिस। मतलब कैसे कि अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है बिल्कुल, मतलब आपने रिले चेक कर लिया, आपने थर्मोस्टेट चेक कर लिया, ठीक है, आपने ऑयल भी चेक कर लिया, आपने फिर देखा कि ये सारे कंपोनेंट बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, और अभी हमें कंप्रेसर का अभी हमें डाउट आ रहा है कि कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है, तो कंप्रेसर को पहले चेक करने के लिए इसे बताया गया है कि आपको उसको कोल्ड चेक करना पड़ेगा, उसके सारे जो वाइंडिंग्स के टर्मिनल है आपके, स्टार्ट, रन एंड कॉमन, ये तीनों यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करके उसका रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा। अगर वो ठीक है तो फिर कंप्रेसर का ग्राउंडिंग आपको चेक करना पड़ेगा। अगर वो भी ठीक है तो फिर आपको डायरेक्ट कंप्रेसर चला के उसको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। मतलब अगर कंप्रेसर कहीं पे स्टक अप तो हो गया, जाम तो नहीं हो गया, बहुत बार जाम भी हो जाता है वो, जिसकी वजह से, क्योंकि ऐसे केसेस होते हैं कि कंप्रेसर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस ठीक दिखाने के बावजूद भी आपका कंप्रेसर कभी चालू नहीं होता, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला सीन क्रिएट हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट तैयार होता है। तो बहुत बार अगर कहीं पर भी कुछ स्टक हो गया है तो उसको थोड़ा सा कंप्रेसर को थोड़ा सा हिला के आपको चेक करना चाहिए। और जैसे उन्होंने बताया कि कंप्रेसर के खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें आपका वोल्टेज सप्लाई को भी एक्चुअली बहुत अहम माना गया है, क्योंकि अगर आपका बिल्कुल एकदम से हाई वोल्टेज आ गया तो वहां पर इंडक्शन मोटर है, या फिर बहुत सारा लो वोल्टेज आ गया, क्योंकि इंडक्शन मोटर जनरली इज वेरी सेंसिटिव फॉर द लो वोल्टेज, क्योंकि जितना आपका लो वोल्टेज है उतना वो हाई करंट ड्रॉ करेगा टू मेंटेन द सेम पावर। तो कैसे है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल, कि अगर आपकी मोटर जो है, अगर आपकी 170 वैट 200 वैट की अगर मोटर है, 200 वैट के मोटर के लिए अगर आपका 230 वोल्ट वाला सप्लाई है, तो उसमें जो है करंट 1 एम्पीयर के नीचे रहेगा, 1 एम्पीयर के भी नीचे रहेगा, बट और 1 एम्पीयर नीचे रहने के बाद आपको जो पावर है वो 200 वैट मिल जाएगी उसी, तो अगर 230 वोल्ट है तो। बट इन केस अगर समझो आपका वोल्टेज ही काफी कम हो गया, 150 वोल्ट आ गया, 130 वोल्ट आ गया, बट पावर तो सेम है आपका 200 वैट, तो उतना ही पावर मेंटेन करने के लिए कंप्रेसर काफी हाई करंट ड्रॉ करता है, और हाई करंट ड्रॉ करने की वजह से उसकी वाइंडिंग हीटअप हो जाती है, और वाइंडिंग हीटअप होने की वजह से उसका इंसुलेशन पंक्चर हो जाता है, इंसुलेशन पंक्चर होने की वजह से वो वाइंडिंग अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकती है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कंप्रेसर की वाइंडिंग कुछ कंटिन्यू रेटिंग के लिए डिजाइन किया जाता है, शॉर्ट टर्म रेटिंग हाई एम्पीयर के लिए उसको डिजाइन किया जाता है, तब वो एक बार, दो बार, तीन बार वो सस्टेन कर भी जाएगा अगर लो वोल्टेज है तो, बट फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम इट विल डेफिनेटली गोइंग टू फेल। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है कि इसलिए वो कहा जाता है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर का वहां पर होना बहुत जरूरी है। तो वोल्टेज बहुत ही अगर लो है तो भी आपके कंप्रेसर के लिए दिक्कत है, अगर हाई वोल्टेज भी है तो हाई वोल्टेज में क्या है कि इंसुलेशन पंक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
अगर एकदम आपने हाई वोल्टेज उसके अक्रॉस अप्लाई कर दिया तो जो उसका डायरेक्ट स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं, जो ऑयल का भी है आपके इंसुलेशन का भी है, तो वो पंक्चर हो जाता है और उसकी वजह से आपकी वाइंडिंग खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेकंडली कैसे है कि आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट फेलियर, जैसे मैंने कहा कि आपकी अगर कैपेसिटर वीक हो गया है, रिले आपका बार बार कभी स्टार्ट कर रहा है छोड़ रहा है, स्टार्ट कर रहा है छोड़ रहा है, मतलब वोल्टेज दे रहा है तो ऐसा फ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो ऐसे केस में भी कंप्रेसर का खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, वो भी देखना है। पुअर मेंटेनेंस मतलब कैसे है, पुअर मेंटेनेंस नॉट फॉर द कंप्रेसर, क्योंकि कंप्रेसर के लिए मेंटेनेंस के लिए वैसे आप उसके लिए ऊपर से कुछ नहीं कर सकते, बट व्हाट अबाउट द कंडेंसर, अगर आपका कंडेंसर अगर आपका ब्लॉक है वहां पर कंडेंसेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाता है कंप्रेसर को, और कंप्रेसर का प्रेशर बढ़ गया तो अगेन सेम थिंग, अगर कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ा उसी काम के लिए तो कंप्रेसर के फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कई बार अगर ब्लॉकेज है सिस्टम में तो भी कंप्रेसर खराब हो सकता है, तो ऐसे भिन्न भिन्न कारण है, बट हमें अगर हम मेंटेनेंस ठीक तरह से, मतलब जैसे हम बहुत बार कहते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इनडायरेक्टली वी आर एक्चुअली एनहांसिंग द लाइफ ऑफ अवर अदर कंपोनेंट्स। कंप्रेसर का आपका लाइफ बढ़ रहा है, आपके इक्विपमेंट का लाइफ बढ़ रहा है, आपके इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, जो आपको एक्सपेक्टेड है वो मिल रहा है आपका, तो मेंटेनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो वोल्टेज जो हम चेक करते हैं कि वोल्टेज सही है गलत है, वो भी हम हमारे इक्विपमेंट के सेफ्टी के लिए ही देखते हैं, तो ये हमें चेक्स करने हैं। कंप्रेसर आप बाहर निकाल के भी चेक कर सकते हो कोल्ड चेक में बाद में। कंप्रेसर अगर आपको होता है कि बहुत ही मतलब उसका पंपिंग खराब है, कंप्रेसर खराब हो गया है, तो ही उसको आपको डिस्कनेक्ट करके पूरा मतलब पाइपिंग तोड़ के वगैरह निकालना है। बट कंप्रेसर का डायग्नोसिस बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि कंप्रेसर सही है और आपने उसको निकाला है, क्योंकि कंप्रेसर निकालने के बाद कंप्रेसर फिट करना, फिर गैस चार्जिंग करना, गैस चार्जिंग भी बिल्कुल सही तरीके से करना, दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, दिस इज स्किल प्रोसेस, तो इसको अवॉइड करने के लिए आप पहले सिस्टम को बिल्कुल ठीक तरह से चेक करो, ठीक तरह से डायग्नोस करो और पिन पॉइंट डायग्नोसिस करो, ताकि मेजर रिपेयर की तरफ हमें जाना ना पड़े। ओके बागा जी, दिस इज ओवर फ्रॉम माय साइड। या ठीक, एक जानकारी मैंने मेरे व्हाट्सएप कर दी, वो लगा दो प्रिंट आउट में तक कर दो। मुझे कुछ भी मालूम नहीं, कुछ नहीं लगा। अभी हम जो है जो आपको वीडियो में जो सिखाया है वोल्ट चेक करने का जो तरीका है वो हम उसको प्रैक्टिकल में देखेंगे। हमारे मोरे साहब ने आपको दिखाया था कि उसको कैसे चेक करना है, तो उन्होंने आपको है मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है दिखाया है। ऐसे ही हम लोग टेस्ट लैब में कैसा चेक कर सकते हैं वो भी हम लोग, ठीक है। तो पहले जो है हम लोग मल्टीमीटर से चेक करते, तो अभी हम लोग के पास मल्टीमीटर से चेक करने के लिए जो है हम लोग के पास दो टाइप के रिले है, आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग के पास दो टाइप के रिले है, पुराना जो है हम लोग का LMS सेल आता और अभी जो है PVC वाला आता। तो एक्चुअली ये जो है अभी LMS अभी आते हैं जहाँ पर हाई स्टार्टिंग पावर की जरूरत होती है, वहां पर ये जो है आपका LMS वाला आता है कैपेसिटर, और यहाँ पर लो स्टार्टिंग पावर की जरूरत होती है वहां पर जो है PVC आता है। और PVC आने की वजह में जो है ये है कि हम लोग को जो है रेफ्रिजरेंट जो है जहाँ पर हम लोग हाइड्रोकार्बन चार्ज करते हैं वहां पर कहीं पर भी हमको स्पार्क नहीं चाहिए, और ये जो है LMS रिले है इसमें स्पार्क होता है, इसलिए स्पार्क जो है हमको जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम से निकालना है, इसलिए जो है PVC रिले आ गया है जिससे कि स्पार्क नहीं होगा। अगर बाय चांस हाइड्रोकार्बन अगर लीक हो गया है तो उसको कोई स्पार्क नहीं मिलेगा और सेफ रहेगा, इसलिए जो है अभी ये PVC रिले आते हैं। तो अभी हम इसका टेस्टिंग कैसे होता है इसको देखेंगे, ठीक है। हमारे मोरे साहब ने आपको दिखाया है
इसको मीटर से कैसे करना है इसलिए मैं ज्यादा आपको इसमें ये नहीं करूंगा। तो सबसे पहले जो हम लोग इसको एलएमएस बिलो जो है इसमें डेंफोस का जो एरिया आता है उसमें ये जो नीचे वाला पॉइंट होता है वो हमेशा कॉमन होता है, ठीक है। फिर ये जो है ये प्रधान होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इस साइड में जो है यहाँ पर जो है अब हम फेस देंगे, यहाँ पर न्यूट्रल देंगे, ये दो पॉइंट को सप्लाई देंगे और ये दो पॉइंट में जो है आपका कैपेसिटर लगेगा। तो अभी जो है अगर हमको चेक करना है इसको तो सबसे पहले जो है इसकी कॉइल चेक करेंगे, ये जो कॉइल है इसको चेक करेंगे। तो ये कॉइल चेक करने के लिए जो है यहाँ पर देखो हम इसको ऐसे टच करेंगे, जैसे हम टच करेंगे तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी दिखाई देगा, ओके। मीटर में कंटिन्यूटी दिखाई दे रहा है इसका मतलब आपका कॉइल ओके है, आपका रनिंग का पॉइंट जो ओके है। यहाँ से अगर आपको रनिंग का वाइंडिंग का चेक करना है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, आपका वाइंडिंग जो है रनिंग के जो टर्मिनल है रनिंग के टर्मिनल तक आता है। ऐसे ही हम लोग को अभी स्टार्टिंग चेक करना है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका स्टार्ट ठीक होता है। असल में इसको जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर आपको चेक करना है तो हम यहाँ से ये रिले जो है ये अभी ग्रेविटी से ऑफ है, जैसे हम इसको सप्लाई देंगे तो ये इलेक्ट्रिकल चार्ज होने की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से इसका प्लंजर जो है उठाएगा, प्लंजर उठाने के बाद जो है ये कॉन्टेक्ट होगा। तो कॉन्टेक्ट होगा तो हम अभी इसको वोल्ट चेक कर रहे हैं इसलिए हम लोग जो है कॉन्टेक्ट करने के लिए इसको रिवर्स करेंगे। जैसे हम रिवर्स करेंगे तो आप देख लो यहाँ पर आपको इसमें जो है कंटिन्यूटी दिखाएगा, इसका मतलब जो है आपका जो रिले है वो काम कर रहा है। फिर से हम उसको जब रिवर्स पोजिशन में स्ट्रेट पोजिशन में करेंगे तो ये आपको डिस्कनेक्ट किया हुआ दिखाएगा, ओके। फिर आपका ये जो स्टार्टिंग यहाँ जो है आपका ये पॉइंट में जो है आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर लगेगा, स्टार्टिंग कैपेसिटर लगने के बाद यहाँ से जो है आपका स्टार्टिंग के पॉइंट में कंटिन्यू जाएगा, ये देख लो ये कंटिन्यू किया है मतलब आपका स्टार्टिंग कनेक्शन ओके है। ऐसे ही आपका थर्ड जो है कनेक्शन जो है आपका कॉमन का है, यहाँ लगाने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू जाएगा। इस तरह जो है आपका आप इसको एलएमएस रिले को चेक कर सकते हैं। इस पोजीशन से ये इसमें कंटिन्यूटी नहीं आएगा, इस पोजीशन में कंटिन्यूटी आना चाहिए, ओके। अब हम देखते हैं पीटीसी रिले, पीटीसी अभी हम इसको चलो ठीक है इसको कैसे हमसे बात कर देखेंगे। पीटीसी रिले को जो है ये पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये जो है इसको चेक करने के लिए इसमें भी सेम टर्मिनल्स है आपके, इसको चेक करने के लिए जो है आपको ये दो टर्मिनल्स में हम जो सप्लाई देते हैं उसमें से चेक करना, ये जो है न्यूट्रल है यहाँ पर इसका सप्लाई देते हैं, ये जो है कॉमन पॉइंट है यहाँ पर देख लो ये कंटिन्यू किया है मतलब ये जो है आप लोग का कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है। फिर दूसरा जो है रनिंग है आपको ये रनिंग जो आपको ये दिखा रहा है ये रनिंग का है, ठीक है। और इसके बाद में जो है स्टार्टिंग का पॉइंट है यहाँ पर जो है आपको आपको रेजिस्टेंस दिखाएगा, रेजिस्टेंस कितना दिखाएगा आपका ये 35 वाट का है तो ये 35 वाट दिखाएगा। इसके ऊपर जो है ये देख लो अभी आपने 29 वाट दिखा रहा, इसके ऊपर जो है एक्चुअली इसका वोल्टेज लिखा हुआ होता है, इस पर जो है इसका वैटेज लिखा हुआ होता है ये है 25 वैट्स। तो अभी आपने हम लोग ने जब चेक किया तो ये 29 वैट्स था, ओके। तो ये परमिशन वाला है 29 वैट्स है परमिशन वाले चलेगा, इसका मतलब ये है कि आपका जो एलएमएस रिले जो है ये फंक्शनल है ये काम करेगा, ओके। इसके बाद जो है ये ओवरलोड चेक करने के लिए जो है इसका जो कॉइल है उसका कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी आ रहा है इसका मतलब आपका ओवरलोड ओके है। वैसे इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट भी चेक कर सकते हैं हम लोग, इसके अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट में लगा दिया हम लोग ने ये कॉन्टैक्ट अगर होता है वो तो कॉन्टैक्ट ब्रेक ब्रेक होता है या नहीं होता है ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर हाई करंट ड्रॉ किया कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया तो ये हम लोग को हमको ऐसे ओपन दिखाएगा, ठीक है। और फिर से जब होल्ड हो जाएगा तो फिर से कॉन्टैक्ट करेगा, इसका मतलब सर कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है
वो मेक एंड ब्रेक हो रहा है। ओके, तीसरा जो है हम लोग कैपेसिटर है, हम लोग जो कैपेसिटर जो लगाते हैं हर सेकंड टॉप के वक्त, तो उसको कैसे चेक करना है, तो उसको चेक करने के लिए भी हम लोग रेजिस्टेंस में रखेंगे और इसको चेक करेंगे। अब ये देख लो, ये अभी जो है ये चार्जिंग हो रहा है कैपेसिटर का। हम लोग को जो है कैपेसिटर का यूज इसीलिए है कि उसको चार्जिंग डिस्चार्ज होना स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए, जब वो टॉर्क देने की जरूरत है तब वो स्टोर किया हुआ है, चार्ज किया हुआ है कैपेसिटर में, कैपेसिटर उसका है तो वो चार्ज करके रख देगा। और इसको जो है अभी हमने लगाया हुआ है तो ये अभी चार्ज हो रहा है, जैसे इसका चार्जिंग पूरा हो जाएगा ये स्टॉप कर देगा, उसके आगे जो है ये करंट नहीं लेगा। ओके, देख लो ये स्लोली स्लोली कम हो रहा है। इसके बाद जब हम ये लीड्स जो है हमको रिवर्स करेंगे, इस लीड्स को अगर हम लोग रिवर्स करेंगे तो ये डिस्चार्ज होगा, मतलब ये जो है सप्लाई स्टार्टिंग टॉप देगा, ये अभी ये डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे स्टार्टिंग टॉप देगा तो इसका वोल्टेज जो है जीरो हो जाएगा। स्टार्टिंग चार्ज काम जब पैसा स्टार्ट हो जाएगा आपका इक्विपमेंट, तो स्टार्टिंग टॉर्क का स्पीड लेने के बाद जो है कंप्रेसर फिर जो है ये फिर से चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसको कंटिन्यू सप्लाई मिल रहा है मगर वो डिस्कनेक्ट होगा, ये चार्ज हुआ रहेगा आपके सर्किट में और फिर बाद में जब जरूरत है फिर से वो स्टार्टिंग टॉर्क देगा। ओके, अब हम इसी चीज को जो है टेस्ट लैब के जरिए हम लोग चेक करेंगे। ओके, टेस्टर से चेक करने का तरीका, पहले हम लोग एलएमएस कर लेंगे, ये है हम लोग का एलएमएस, तो हम लोग को पहले हम लोग का ये हॉट चेक होगा, पहले हम लोग ने कोल्ड चेक किया, ये भी हॉट चेक है। ये हॉट चेक में कहीं पर भी आपको कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को टच नहीं करना, ये प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग ये रनिंग का शब्द हम लोग चेक कर रहे हैं, मतलब आपका जो है रिले काम कर रहा है। ओके, ऐसे हम लोग जो है ये पीटीसी में हम लोग चेक कर सकते हैं, पीटीसी अभी ये इसका करंट जो है कम है, इसकी वजह से ये स्विच ऑफ नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि ये 200 ओम्स का ही है, तो हमारे इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग जो है हम लोग की उस वाइंडिंग में जो है ज्यादा करंट ड्रॉ करता है, इसलिए वो कट ऑफ करता है। ये अभी जो है देख लो धीरे धीरे जो है ये इसका टेम्परेचर गर्म हो जाएगा तो ये कट हो जाएगा। ये ऑफ हो गया है, अभी इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस जो है बढ़ गया है, उसने स्टार्टिंग वाइंडिंग कट कर दिया, तो हमारा कंप्रेसर जो है हम लोग चलाते हैं रिले का फंक्शन भी वही होता है कि इनिशियल स्टार्टिंग टॉप देने के बाद जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग कट करना। ओके, तो ये इस तरह जो है इसका स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है पीटीसी कट कर देता है। ओके, इसके बाद जो है हम लोग कैपेसिटर जो है इसको भी इससे हम लोग चार्जिंग डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो इसको तभी हम जो है ये हम चार्ज करेंगे इसको। ठीक है, तब हम इसको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, इसको कैसे डिस्चार्ज होता है ये हम लोग आपको देखेंगे। जैसे
उसको सप्लाई देंगे और फिर इमीडिएट बंद कर देंगे, जिससे कैपेसिटर आपका चार्ज हो जाएगा और फिर उसको जो है हम लोग शॉर्ट करेंगे। हमने सप्लाई किया है, अभी ये शॉर्ट करने के बाद जो है इसका स्पार्क होना चाहिए, ये हो गया। इसका मतलब आपका कैपेसिटर ठीक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रहा है। ओके, और एक बार थोड़ा सा कैमरा में स्पार्क ठीक से आया नहीं है, फिर से हम एक बार आपको स्पार्क करके दिखाते हैं। देखो ये स्पार्क जो है हो रहा है। ओके, थैंक यू टीम। योगेश जी, नेक्स्ट वीडियो जो वही बताना है या आपके साइड से डेमो होगा वापस से? आज का वीडियो का टाइम टेबल यही पर है ना मेरे ख्याल से? हाँ, इसके वही पूछ रहा था। नहीं नहीं, नेक्स्ट जो है वो कल, इसके बाद वो क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन ले लेंगे। ओके, कल जो, हाँ कल जो है वो तीन वीडियोस और डेमो, उस तरह से आज जैसे ही होगा वो। ठीक है, तो अभी मैं सबको अनम्यूट करने की पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ। आपके आज के जितना भी टुडे का सेशन हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्लस टेक्निकल सेशन हुए हैं, थोड़ी तकनीकी दिक्कतें आई थी, लेकिन फिर भी ये ड्रॉबैक है जूम से कनेक्ट होने का। लेकिन अभी अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप खुद को अनम्यूट करके एनसीसीआरसी टीम को पूछ सकते हैं। दिस इज एन ओपन फ्लोर फॉर आस्किंग योर क्वेश्चंस। मैं ऑफ के ले सकते हैं, अनम्यूट कर दो। ओपन डिस्कशन से स्टार्ट किया। अच्छा प्लीज, इंदौर डिवीजन से, इंदौर उज्जैन डिवीजन से वन बाय वन, क्योंकि मैं देख रहा था कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन और कैसे हर पार्ट्स का आपको जो डायोड हो या कैपेसिटर हो कंटिन्यूशन जो बताया है और क्या क्या प्रिकॉशन अपन को रखना है रिपेयर मेंटेनेंस में, इसके बाद भी इक्विपमेंट के बारे में इंदौर डिवीजन के जो टीम है और उज्जैन डिवीजन के आपको जो बताया है इसमें, पहले तो मुझे बताओ क्या सीखा और साथ में आपको क्या डाउट है, क्योंकि अभी एक्सपर्ट पैनल में है ना। चलिए नीमच बताइए, नीमच सर। नमस्कार सर, शिव शर्मा बोल रहा हूँ सर। हाँ नमस्कार सर। सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज हमारे लिए रही डायोड रेजिस्टेंस और सप्लाई के द्वारा रिले की क्वांटिटी करना सर, उसकी कंटिन्यूटी हमने सर पहले कभी मतलब उससे चेक नहीं की थी और हम लोग मीटर से ही करते थे। अगर मीटर नहीं भी होगा तो भी हम लोग सर सप्लाई के द्वारा उसको सीरियल उसमें लेकर कर सकते हैं सर। ठीक है, और कोई डाउट है आपको? नहीं सर, डाउट नहीं है सर, योगेश सर ने डाउट तो क्लियर कर दिए सर। ठीक है, एंड परमार उज्जैन। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्कार। कोई डाउट नहीं है सर, बहुत अच्छे से समझाया गया। इस टाइप का सारा सर प्रैक्टिकल में ही देखने को मिला है, पहली बार इस तरह की वीडियो फिल्म देखने को मिली है सर, बहुत शानदार समझाया गया, थैंक यू वेरी मच सर। पाल, इंदौर डिवीजन पाल सर। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर। ये अभी गोदरेज के संबंध में कुछ बताएंगे क्या सर? ये तो गोदरेज के संबंध में कल है एजेंडा, ऑलरेडी आपको शेयर किया है, जो कल 9:15 पहले आप जुड़ जाइए, 11 बजे से गोदरेज का है, फिर 2 बजे के बाद कंटिन्यूशन एनसीसीआरसी के साथ है।
ये ट्रेनिंग तो बहुत इफेक्टिव है सर, सभी के लिए इफेक्टिव है ट्रेनिंग सर, बहुत अच्छी रही ट्रेनिंग। नहीं आप तो अपना बताइए। अच्छा दमो चटर्जी सागर, दमो कोल्ड चेन टेक्नीशियन मिस्टर संदीप चटर्जी सागर डिवीजन से जुड़े हैं क्या? अभी तो जुड़ा था। मंजय तिवारी हेलो। हाँ सर मैं मंजय बोल रहा हूँ सर, ये चटर्जी जी से मेरी बात भी हुई थी सर, उनका जूम सही नहीं चल रहा था इस कारण बार बार वो डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं सर। नहीं नहीं वो तो बात हो गई मेरी, वो जुड़ गए थे। अब आप बताइए कैसा रहा ट्रेनिंग, कोई डाउट है आपको? नहीं सर कोई डाउट नहीं सर, बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग करते नहीं थे पर अब उसको भी सीखने का मौका मिला है तो और उसको प्रयास करेंगे करने के लिए सर। मतलब फील्ड में जाएंगे तो जो प्रोटोकॉल है वैसे आप कर लेंगे आप? जी सर ठीक। ग्वालियर विजय से, विजय ऑन करो अपना, मुरैना शिवपुरी से गुप्ता ऑन करो अपना स्पीकर, बताओ जरा कैसी रही ट्रेनिंग, कुछ डाउट है तो आप? शिवपुरी ऑन करो जरा। सिवनी से बालाघाट, सिवनी बालाघाट दोनों से जो भी जुड़े हैं कोल्ड चेन टेक्नीशियन सर, नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ सर बहुत अच्छा रहा सर, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग को सीखने मिली सर, जैसे अपना कंटी यानी अपना रिले को इलेक्ट्रिक के द्वारा चेक करना वाला जो बताया सर। थैंक यू सर। और बताया ना सर के वो सही रहा, और मल्टीमीटर के बारे में उन्होंने बताया कंटिन्यूटी फेस करना, रेजिस्टेंस वोल्टेज एसी डीसी करंट कैसे उसका करना है, ये बहुत अच्छे से समझाया सर उसने। चलिए गुड, मतलब पुलिसी अब आप यू आर ए डिविजनल ट्रेनर हो, अब आप अच्छे से और इसी को कंटिन्यू कर सकते हो डिविजन में, है ना। खंडवा इंदौर जी, खंडवा अटूट बताइए आप, क्योंकि अटूट इज एज ए वैक्सीन स्टोर इंचार्ज भी है, एज ए वहाँ टेक्नीशियन नहीं है, इज ए वैक्सीनेशन डिप्लोमा किया है तो इनको हमने एडिशनल काम दिया अटूट। हाँ सर बहुत बढ़िया समझाया गया है, डायोड और जितना भी था मतलब टेस्टिंग वेस्टिंग बहुत अच्छी तरह से, मल्टीमीटर चलाना ये चलाना, टांग टेस्ट किस तरह से चलाया जाता है के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी मिली सर। मेन तो टेस्टिंग का, अगर टेस्टिंग हम सही ढंग से करेंगे तो कंपोनेंट्स पकड़ लेंगे ना कौन सा फॉल्ट है, तो तुरंत मतलब पकड़ सकते हैं। मिस्टर साहू ऑन करो जरा अपना मोबाइल स्पीकर ऑन करो। कौन स्क्रीन ऑन कर रहा है, सभी हो गए हैं? हाँ मैं मुरैना ग्वालियर मुरैना, विजय स्पीकर ऑन करो अपना। जी सर हाँ कैसी रही ट्रेनिंग, कुछ डाउट है या कुछ सजेशन है? नहीं सर बस बीच बीच में कभी कभी क्या था इंटरनेट की प्रॉब्लम रही है, जो भी रहा थोड़ा सा कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं थी, बाकी ट्रेनिंग बहुत यूजफुल है सर। मतलब जो टेक्निकल बताया है वो सब टेक्निकल चीजें काफी है, कुछ चीजें जो थी मल्टीमीटर से रिलेटेड उसमें काफी दिक्कतें भी थी वो भी क्लियर हुई सर इससे। मतलब आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा? बिल्कुल सर। हाँ सर। एंड शिवपुरी से कौन है, शिवपुरी और शिवपुर से दोनों जिले बताओ जरा।
शिवपुरी में दिक्कत आ रही थी सर, उसके मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है सर, वगैरह प्रॉपर दिक्कत दे रहा था हम। जी सर, शिवपुर से टेक्निकल उसको बोलो कि ठीक करके दूसरे से जी सर, शिवपुर से। हां शिवपुर बताइए क्या। जी सर, आज हमें काफी इस ट्रेनिंग से सीखने को मिला और जिस तरीके से मल्टीमीटर से हमें और भी चीजें जो चेक करनी होती है, रिले कैसे चेक की जाती है, डाउट कैसे चेक किए जाते हैं, इस तरीके से सारी चीजें हमारे कुछ दिनों से मन में एक शंका थी और इस तरीके से दिक्कतें रहती थी एक मल्टीमीटर से चेक करने के लिए, जो आज हमारे इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमें इस जो है डाउट हमारे मन से निकले हैं और सीखने को काफी मिला है। गुड मिस्टर, लास्ट में मिस्टर नावेद, विदिशा से नावेद जोड़े हैं। नावेद एंड होशंगाबाद, होशंगाबाद से नावेद है पर उसका पटेल। हाँ मिस्टर पटेल, आवाज आ रही मेरी? सतीश पटेल है, हाँ भी बोलेगा। हाँ सतीश बताओ कैसा ट्रेनिंग था, आपके है, देख रहे हैं अब चला है। अच्छा सतीश, हाँ स्पीकर ऑन करो अपना जरा, अनम्यूट करो जरा। हाँ बोलिए। सर आवाज आ रही? हाँ आ रही है, आप बोलो बोलो कंटिन्यू करो। सर ये ट्रेनिंग को बहुत यूजफुल रही है, लेकिन सर इस पे स्टेबलाइजर का और जो नए नए आ रहे हैं उसके बारे में और डिटेल। ठीक है चलिए ओवरऑल। अच्छा और कोई टेक्नीशियन जो ये किसी को डाउट क्लियर करना है, क्योंकि मैंने पूरे संभाग डिस्कस कर लिया है, कुछ ऐसे हैं जिनसे बात नहीं हो पाई है, वो ये चाहते हैं कुछ डाउट अगर उनको क्लियर है तो बोले। तो अगर किसी के अभी फिलहाल डाउट्स नहीं है तो हो सकता है कि ट्रेनिंग के बाद में आपके पर अभी फिलहाल तो सूझ नहीं हो रहे होंगे आपको क्वेश्चन क्वेरीज, तो कल भी सेम ट्रेनिंग कंटिन्यू होने वाली है मॉर्निंग में 11 o'clock से। गोदरेज के बारे में ओरिएंटेशन होगा, गोदरेज की टीम ज्वाइन करके आपको नए जो कोचिंग इक्विपमेंट आए हैं उनके बारे में जानकारी देगी, और 2 o'clock से वापस से NCCRC टीम जो है अपने को गाइड करने वाली है हाउ टू डू दी मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है, और उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप प्लीज उसको नोट करके लिखिएगा, नेक्स्ट डे जो सेशन होगा उसमें आप वापस से आपके सवाल पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी वीडियोस आज डिस्प्ले किए गए थे, जो प्ले किए गए थे सेशन के दौरान, कुछ नेट कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा लैग आ रहा था करके हमने चैट बॉक्स में पढ़ा है, तो वीडियोस जो है हम व्हाट्सएप में अभी शेयर कर देंगे, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर फिर भी वो वीडियोस देखने के बाद में अगर आपको कोई दिक्कतें या डाउट आती है तो वो भी नोट करके रख लीजिएगा, कल वो भी आप सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग। NCCRC टीम ने काफी डिटेल में, मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि लाइव डेमोन्स्ट्रेटिव ट्रेनिंग हुई है, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी किए गए हैं लाइव बाय द NCCRC टीम। आई थैंक विकास जी, योगेश जी, दुर्गेश जी, मोरे जी एंड मकदुम जी फॉर फैसिलिटेटिंग द लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। अगर कुछ और सवाल अभी फिलहाल नहीं है टीम के तो हम इस सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीसी वापस से स्टार्ट होने वाली है, एक अर्थ वाला आना चाहिए। और कल आपको 11 o'clock से शार्प स्टार्ट होगा, तो 10:40 को के आसपास आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी का जो है इशू वो नहीं आएगा आपको,
और प्लस जो नेटवर्क एरिया आपका जहां पे अच्छी से आ रहा हो उस एरिया में आप कनेक्ट कीजिएगा, हेडफोन का इस्तेमाल कीजिएगा और कैमरा ऑफ रखिएगा, तो आपको इंटरनेट बैंडविड्थ अच्छी से मिलेगी और आपको वीडियोस जो होते हैं लाइव डेमोंस्ट्रेशन होते हैं विदाउट एनी गैप बराबर से दिखाई देगा। या विपिन जी ओके थैंक यू बॉम्बे, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा जो हमने पूरे मध्य प्रदेश के टेक्नीशियन ने अपना इनपुट दिया है, और मैं सभी कोल्ड चेन टेक्नीशियन से कहूंगा कल आपको जैसे आप बताया 10:45 पे आप जुड़ जाएं, और हमने जो व्हाट्सएप में आपको लिंक भेजी है वो एक अलग अलग डेट की अलग अलग लिंक है, अलग अलग पासवर्ड है, क्योंकि अभी मैं देख रहा था लोग जुड़ नहीं रहे थे, वो कल वाली लिंक में क्लिक कर रहे थे। अच्छा, तो कंटिन्यू मिशन में था, तो आप है आईडी पासवर्ड बोल दो कल का, कुछ है वापस हम लोग डाल देंगे व्हाट्सएप। हाँ, तो आप कल के वाले ही जो कल की डेट है 7 तारीख का उसी व्हाट्सएप आईडी डालेंगे अपने जूम में, तो आप इमीडिएटली जुड़ जाएंगे। और आज जो एजेंडा आपको शेयर किया है ऑलरेडी हमने, और मैंने एक गोदरेज का SOP भेजा है, वो आप लोग स्टडी कर लीजिए, तो जब कल आपको जब ट्रेनिंग होगी तो वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। ओके थैंक यू ऑल द मेंटर एंड अवर टीम यूनिसेफ एंड NCCR टीम, और मेरे कोल्ड चेन टेक्नीशियन को कल आप समय पे जुड़े और पूरे प्रोटोकॉल मेंटेन करें। ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, कल 11 AM।